2 minutes. So just let me introduce to you myself. I'm Yash Kumar Gupta. As I had messaged you, I'm the looking forward all the technological things in the crime-free Bharat. So let me tell you about the crime-free Bharat. Sir, crime-free Bharat sir ne ek aisa organization found kiya hai apne baare mission ke baare mein ki jiske andar wo cheezon ko crime-free banana cha rahe hain jiske उन्होंने 3 डिविजन रखे हैं क्राइम फ्री भारत जिसके अंदर वो क्राइम को फ्री करना चाह रहे हैं फिर CFB एग्रो बेस्ड मॉडल जिसके अंदर वो केमिकल फ्री चीज़ों को करना चाह रहे हैं जिससे हमें न्यूट्रिशियस वैल्यूज का हमें ध्यान हो अवेयरनेस फैले और न्यूट्रिशियस वैल्यू पे हम काम करें एंड दी थर्ड वन इज दी CFB आयुष इन विच सर इज फोकसिंग ऑन दी मेडिसिनल इम्पॉर्टेंस इन आर कंट्री की हमें आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए तो सब चीज़ों का आपस में सर ने एक लिंकेज फिक्स किया है ताकि पूरा एक इकोसिस्टम जो है सोसाइटी का वो अच्छे से रन करें सो ये बेसिकली एक सिनॉप्सिस है एक समरी है कि जो सर इस मिशन को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं अभी तक वी हैड कनेक्टेड 1,000+ वॉलंटियर्स इन आर this stream from different various universities many students has been connected with us and also many of the reputed and renowned icons like you are also being connected in this platform depending upon the various responsibilities they have like if someone has their expertization in लॉ किसी का एक्सपर्टाइजेशन डॉक्टरी में है किसी का एक्सपर्टाइजेशन एज अ CA है तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टाइजेशन के अकॉर्डिंग अपनी भूमिका को निभा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना काम करते जा रहे हैं वैल्यूबल सजेशन देते हैं सब और आज जैसे कि पॉडकास्ट है तो हर बार पॉडकास्ट होता है एंड फिर पॉडकास्ट के बाद सब अपने व्यूज रखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग सब टीम के साथ मिलके उस चीज़ को आगे प्रोसीड आउट करते हैं तो ये सर ने इस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया कि डेली वो 2 से 3 पॉडकास्ट करते हैं और आप जैसे ही जिनको अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा नॉलेज है एंड वो अपने इंडस्ट्री में एक रिनाउंड पर्सनालिटीज़ है 20 से 30 साल 10 साल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस आके लोग अपने साथ शेयर करें एंड फिर हम स्मूथली चीज़ों को आगे ले जा पाएँ सो ये बेसिकली सर का पर्सपेक्टिव रहता है तो इन जो भी पॉडकास्ट होते हैं उसको सर ने नाम दिया हुआ है विराट स्वरूप विराट स्वरूप हमारा हिंदी अर्थ हो गया और इसका इंग्लिश हो गया हमारा विजनरी प्लान जो सर ने इतना बड़ा विजनरी प्लान है जिसका बहुत बड़ा विराट स्वरूप है तो सर ने इसका ये रखा है कि प्रेसिडेंट टॉक विद प्रेसिडेंट अब विराट स्वरूप तो ये सर ने इसके अंदर रख रखा है सर अच्छा लगा सर सर के स्टार्टिंग जो है वो उनके व्यूज देख के ही मैं उनसे सर से जुड़ा था सर के मैंने कुछ वीडियोस देखे थे जी सर तो वो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग लगे बहुत ही बढ़िया सर की मतलब एक सोच है और मैं भी ये सब देख के मैंने कहा सर से जुड़ना चाहिए कुछ सीखने को मिलेगा कुछ आगे बढ़ने को मिलेगा तो इसीलिए मैंने सर को ज्वाइन किया और फिर सर ने समय भी दिया बात करने के लिए तो मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ सर के लिए सर आप थोड़ा सा अपना इंडस्ट्री एक्सपर्टाइजेशन के बारे में बताइए ना मतलब हम सब जो भी है हमारी पूरी वॉलंटियर पूरा टीम हमारा पूरा यूट्यूब फैमिली हम सब जानना चाहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अपनी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा एग्रीकल्चर में या फिर दूसरी किसी भी इंडस्ट्रीज में अभी तक तो मेरा जो था मतलब मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ अभी दूं या सर आए तब देना है कैसा क्या चलेगा अभी इस सर आएंगे तो भी अच्छा रहेगा सर जस्ट कमिंग इन इन 1 or 2 minutes ही कैन ज्वाइन अस उनके एंड पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आ रहा है सो 1 या 2 मिनट में वो ज्वाइन कर सकते हैं ओके मैं शॉर्ट में अपना ब्रीफ दे देता हूँ कि बेसिकली मेरा बचपन से ही एक समाज सेवा का व्यू था और व्यू क्या मैं उसको मतलब किसी भी प्रकार से उसको मतलब प्रैक्टिकल लाना चाह रहा था कि उसको मैं कुछ कर सकूँ लोगों के लिए तो वो मैं शुरू से ही एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था और ब्रह्मा कुमारीज के माध्यम से जो है मैंने इस चीज़ को शुरुआत भी की अपनी 15 साल की एज में और उससे अभी भी जुड़ा हूँ मैं आज 25-30 साल होने जा रहे हैं पर मैं आज भी जुड़ा हूँ और उसको कंटिन्यूसली करता हूँ ओके जितना बनता है इसके बाद मैं गवर्नमेंट सर्विस में भी जुड़ा हूँ
वो तो मैं कर ही रहा हूँ, और उसी के साथ हमारी कुछ पैतृक संपत्ति भी है, एग्रीकल्चर लैंड, जी सर, तो मैं उसमें भी ऑर्गेनिक कर रहा हूँ, और धीरे धीरे उसको मैं पूरे में ही ऑर्गेनिक करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैंने 25% पे शुरुआत की है, बाकी अब उसको मैंने काफ़ी 2 साल से अच्छी से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, अलग अलग कैसे खेती की जाए, तो ये सब चीज़ें हैं, मैं उसको इम्प्लीमेंट भी करते जा रहा हूँ। ओके, वेरी गुड सर। एंड सर, ब्रह्म कुमारी साहब माउंट आबू, वो उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ से जुड़े हुए हैं? हाँ, मैं अभी 2 दिन पहले ही वहां से आया हूँ, ओके, तो माउंट आप, आबू में। ओके, सो आप नेटिव माउंट आबू से हैं सर? नहीं, मैं शाहजहाँ इंदौर से। इंदौर, ओके, सर, ओके सर, ओके। तो बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम वेरी क्लोज टू माउंट आबू, आई एम फ्रॉम उदयपुर। ओके। चलो, बढ़िया। सर इज विद अस, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल दी जेंटलमैन वंस अगेन। सबको वेलकम है हमारे प्रेसिडेंट टॉक इन रेफरेंस टू विराट स्वरूप। सो आज के हमारे जो गेस्ट हैं एज आर प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्ता सर एंड राजेश बगादिया सर, जो कि इंदौर से हैं और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से एक्सपर्ट रहे हैं, और अभी भी दिन ब दिन वो प्रयास कर रहे हैं कि वो एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ाएं। सो आज इसी चीज़ों पे हमारा टॉक रहने वाला है सर के बीच में, हमारे गेस्ट के बीच में। सो आई वुड रिक्वेस्ट सर मैथिली शरण गुप्ता सर टू प्रोसीड फ्रॉम नाउ। थैंक यू सर। राजेश जी, इसके पहले मैं विराट स्वरूप और बाकी समस्याओं के बारे में चर्चा करूं, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और जी सर, साथ में ही आपसे अनुरोध करूंगा कि आपने क्राइम फ्री भारत और एग्रो भारत, आयुष भारत, और ये बहुत एक विराट स्वरूप की चर्चा हम कर रहे हैं, और हमारा ये जी सोचना सर, है कि अभी जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है वो हमारी दुष्टता का कहीं ना कहीं हमको वो दिया जा रहा है। हम उस दुष्टता से बेसिकली जूझ रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सपांड करता हूं। नेचर ने हर चीज अवेंडेंस में दी है, सूरज रोशनी दे रहा है, फल पौधे अपना जो है ना पैदा कर रहे हैं। आपसे कोई कोई पैसा मांग रहा है क्या? नहीं मांग रहा है। पानी देखा जाए तो पानी जमीन के ऊपर, नदियों में पानी, समुद्र में पानी, जमीन के नीचे पानी, जो है मेघ के रूप में बादलों में पानी, जो है ग्लेशियर के रूप में पहाड़ों के ऊपर, और पानी हम सब में। जैसे आपको मालूम होगा कि लगभग 70% जो है हम लोग, दे आर हैविंग लार्जली स्पीकिंग, इफ वी कैन से कि 70% जो है हमारी बॉडी वेट के बराबर हमारे शरीर में पानी होता है। तो सही मामले में देखा जाए तो हम सब भी वाटर बॉटल हैं। इतनी वाटर बॉटल के बावजूद भी, इतना पानी अबंडेंस में होने के बावजूद भी, वो क्या कारण है कि हमें जो है फिर से पानी को बॉटल में खरीदना पड़ रहा है? हमारी जो भी मजबूरियां रही ग्रीन रेवोल्यूशन की, जिसमें हमें ओवर यूज ऑफ द केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर करना पड़ा, लेकिन उसका नेट रिजल्ट रहा कि जो हमने खाद्यान्न पैदा किया वो विषयुक्त रहा। आज जो ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं क्योंकि हमारा हमारा खाद्यान्न विषाक्त है। हम गाय, भैंसों, सब्जियों में जहां लगता है वहां हार्मोनल इंजेक्शन दे रहे हैं, एंड वो जो है रेसिड्यू के रूप में हमारे शरीर तक पहुंच रहा है। हमारे डॉक्टर्स जो है, जो आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो नेचुरल सोर्स की नहीं है, मजॉरिटी जो है दे आर केमिकली मेड, एंड केमिकली मेड कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो 100% जो है ना आपके शरीर के लिए सुरक्षित है। अभी भी जो नेचुरल, नेचर के चीजों से भी जो दवाइयां बनाई जा रही हैं उसमें उसके मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करके वो केमिकली आपके पास परोस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे आय का धंधा बनाना है। तो चाहे दवाइयों के फॉर्मेट में अपन जाएं, चाहे दूध के फॉर्मेट में जाएं, आप जैसे दूध की ही बात लें तो जितना दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी सब गायें मिलके, सब जो है ना गाय जो है मिल्क प्रोड्यूसर एनिमल मिलके,
we are just creating one third of the, or we are producing one third of the quantity which is being consumed. तो अब ये टू थर्ड क्वांटिटी कहाँ से आ रही है? तो ये टू थर्ड क्वांटिटी जो है, राजेश जी आप बताइए कहाँ से आ रही है? टोटल केमिकल है सर ये, और केमिकल का मतलब है यूरिया आदि, और हाँ। इसके बारे में एक रिसर्च हुई है, वो रिसर्च कहती है कि 4 साल तक लगातार यदि ये केमिकली मेड मिल्क या उसके प्रोडक्ट का सेवन किया जाता है, जो कि टू थर्ड आप ऑलरेडी कर रहे हैं, और इफ इट कंटिन्यूज फॉर द 4 ईयर्स, तो जो लोग भी उसको कंज्यूम करेंगे उसमें से 87% दे विल सफर फ्रॉम कैंसर. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कह रही है. इसका मतलब है इसका मतलब है कि हम कैंसर के जो है बहुत बड़े जो है विरल में जो है ना फंसने वाले हैं. हर परिवार में जो ना दो दो चार चार लोग कैंसर के होंगे, एंड देन कैंसर की जो पीड़ा है, कैंसर के बीच में जो आप रहेंगे, वो क्या आपने कुछ कैंसर पेशेंट्स को देखा होगा, उनकी लाइफ स्टाइल को देखा होगा, उनकी जिंदगी को देखा होगा, वो कई बार तो जो है उस जिंदगी से तो मरना अच्छा होता है. मतलब इट इज रियली बैड साइकोलॉजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, मतलब इट इज ड्रेनिंग ऑल थ्रू, एंड यू हैव टू फिजिकली अंडरगो ए लॉट ऑफ पेन्स. तो एक बहुत ही बुरी स्थिति है, राइट? अब हमने जो है इसी केमिकल, और चाहे वो घर में यूज कर रहे हो या बाहर यूज कर रहे हैं, वो वाटर बॉडी सॉइल के साथ साथ इट इज गोइंग टू द वाटर बॉडी ऑल्सो, हमारा पानी भी पॉल्यूट हो गया है. और हमारी यही दुष्टता है कि हम जो पानी इतने अबंडेंस में है उसे हम वाटर बॉटल में बेचने में सफल हुए. हम अपनी दुष्टता लगातार जारी रखे हुए हैं. डिफरेंट तरीके के पॉल्यूशन से हम एयर क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. हम मजबूर हो रहे हैं कि इस तरीके के सरकार आदेश जारी करे कि आज का पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है, यू आर एडवाइज टू स्टे इनसाइड योर होम. तो हम एक द्रुत गति से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जब जो है हमारी पीठ के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, और हम और आप बाध्य होंगे इस तरीके के फोन पर चर्चा करने के लिए कि प्लीज सेंड अप ऑक्सीजन सिलेंडर, इट इज गेटिंग एग्जॉस्टेड विद इन 15 मिनट, एंड इफ सिलेंडर विल नॉट रीच इन टाइम आई विल डाई. मतलब दिस इज द कम्युनिकेशन ऑफ द फ्यूचर विच आई एम सेइंग. तो आप देखेंगे कैसे फ्यूचर में, आप कैसे बात करेंगे, एंड आपकी जिंदगी जो कि एक स्वर्णिम होना चाहिए, जो जहाँ सुनौरे जो है आपके चारों तरफ जो है ना फल पौधे और वो होना चाहिए, जिनसे ऑक्सीजन निकले, जिनसे कि उसमें चिड़ियाएं रहें, और आपके चारों तरफ जो एक मनोरम दृश्य हो, सर्वतुल दृश्य हो, उसको हमने एक नारकी दृश्य में कन्वर्ट कर दिया. और इसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों की मिली जुली दुष्टता शामिल है. हमारी सोच जो है संकीर्ण होने के कारण वी हैव फॉलन इनटू द हैंड ऑफ स्केर्सिटी मॉडल, क्योंकि जब स्केर्सिटी में कन्वर्ट हो पाएगा तभी हम उसे बेच पाएंगे. और फिर हम तो इतने दुष्ट हो गए हैं कि हम बीमारियां पैदा करने में चले गए हैं. जैसे लोगों को कहना है कोरोना इज प्रोड्यूस्ड बाय द चाइना, तो ऐसी जो है ना बहुत सारी बीमारियां पैदा की जा रही हैं, जो कि बहुत विभत्स रूप धारण नहीं किया तो हम और आपको मालूम पड़ रहा है. इट इज समथिंग लाइक जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में वायरस पैदा करते हैं और एंटीवायरस पैदा करते हैं. इट इज ए लूप ऑफ द क्रिएटिंग बिजनेस. तो चारों तरफ हम में दुष्टता इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि वी आर इन लूप ऑफ द दुष्टता, एंड हम एक दूसरे की दुष्टता से जो है ना जूझ रहे हैं. हम एक दूसरे के लिए मौत के गड्ढे खोद रहे हैं. किस चीज को पाने के लिए? एक करेंसी पाने के लिए जो कि शॉर्ट सप्लाई में है, जिस करेंसी को आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की कि आप अपने साथ ले जाए, और जब आप उसको यहां छोड़ के जाएंगे तो उससे कोई सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बनने वाला है. वो जो है भाइयों में लड़ाई करा देगा. और ये बात जो है ना मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में भी अपन देख सकते हैं, जब इतने बड़े जहां धन की अंबार लगा हुआ है उस फैमिली में भी जो है ना लड़ाई झगड़ा हुआ, तो ये धन किसी का मित्र नहीं है. तो हम इस धन के पीछे क्यों पड़े हैं? तो इसलिए जो है क्राइम फ्री भारत हैज कम आउट विद ए मॉडल ऑफ अबंडेंस. हम इस दुष्टता की सीमा को पार करेंगे. हम जो नेचर का अबंडेंस है उसे ग्राउंड पे रिक्रिएट करेंगे. मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप, चूंकि आपसे मेरी बातचीत हुई थी और आपने कहा कि आपने हमारे तमाम वीडियो देखे हैं, तो मैं आपको मौका देना चाहूंगा कि आपने रियली क्या समझा. सर
आपके वीडियो जब मैंने देखे तो आपने जो चीज़ एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो टच करके गई है कि एक जो चीज़ हमारे पास तो थी हम उसको प्रैक्टिकल में लेके नहीं आ पा रहे थे, सिर्फ सोच तक थी। कि जैसे एक उदाहरण, जैसे मिल्क का आपने कहा कि जितना मिल्क हमें मिलना चाहिए हमें वो मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो केमिकल वाला मिल रहा है। तो ये जो चीज़ है, हम अपने लालच को कम करें और सही मायने में अगर हम गाय जो है आज का जो हमारा गोधन है, जिसको हम आज कत्ल कारखाने में भेज रहे हैं, उसको ना भेजते हुए हम उसको, जैसे आपने देखा भी होगा, हम सब देखते भी हैं कि रोड़ों पे गाय को छोड़ देते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हमारी, जब तक मतलब उसने हमें दूध दिया तब तक हमने रखा, और जब नहीं दे रही तो हमने उसको छोड़ दिया। मतलब सिर्फ ये एक पैसे के पीछे जो लालच है, इस चीज़ को जब हम कम करना शुरू करेंगे तो ये प्रैक्टिकल में हमारे पास दूध भी अबेंडेंस में होगा, बहुत मात्रा में मिलेगा। मतलब हर चीज़ हमारे पास अबेंडेंस में, आपने जो कहा है कि जो चीज़ सारी अबेंडेंस में, सिर्फ हमारी सोच को हमें चेंज करना होगा। तो जो आपके पीछे जो क्राइम फ्री भारत की जो सोच है सर, वो इतनी बढ़िया सोच है, अगर ये सब तक पहुँचेगी तो बहुत ही जल्दी मतलब जो चीज़ों के लिए हम आज झगड़ रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं वो चीज़ कम होने लगेगी। सिर्फ ये सोच सब तक पहुँचनी चाहिए। ओके, तो आपने कुछ इसको हम अवेंडेंस में कैसे लाएंगे, और उसके लिए हमने रॉबस्ट जो है टेक्नोलॉजी सिस्टम क्रिएट किया है जिसको हम रिवार्ड पॉइंट सिस्टम कह रहे हैं, क्या आपने उसका वीडियो देखा है, क्या उसे समझा है? मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाया, पर हाँ एक चीज उसमें समझ में आई है कि उसमें प्रॉफिट ही है। अगर वो अगर हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं तो हमें उससे फायदा ही मिलना है, जो आपने रिवार्ड्स पॉइंट हमें क्रिएट किए हैं। और आपने बताया उसमें 2.5 गुना पैसा मिलता है, आपको जो नॉर्मल पैसा मिल रहा है उससे 2.5 गुना भी मनी अर्न करने को मिल रहा है। 2.4% आपने कुछ बताया ज़्यादा मिलता है, और उस पर आप इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, मतलब एक बेनिफिशरी है अगर उसमें उस हिसाब से भी हम करें तो। देखिए, जो कुछ भी है वो यहीं का है, राइट जी सर, और जो यहाँ का है, आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि उसे अपने साथ ले जाए आप, नहीं ले पाएंगे, राइट? यही कारण है जब आप का अंतिम वो होता है, आपको शव जलाने के पहले आपके शरीर की हर चीज को काट दी जाती है, इंक्लूडिंग जो आपके हाथ पे जो कलाई का धागा बंधा होता है उसको भी काट दिया जाता है। आपको ये मालूम है ऐसा क्यों किया जाता है? नहीं पता सर। क्योंकि जो मृत व्यक्ति है वो तो कुछ देख नहीं सकता है, तो ये संस्कारों के माध्यम से, प्रथाओं के माध्यम से, ये हम और आपके लिए संदेश है, जिसको कई बार अपन कहते हैं शमशान घाट ज्ञान। ये शमशान घाट ज्ञान आपको दिया जाता है कि भाई आप जिस स्वरूप में आए थे उसी स्वरूप में आप वापस जाएंगे, एक धागा भी आपके साथ नहीं जाएगा। तो ये लोभ लालच क्यों? प्रकृति ने जो अवंडेंस दी है उस अवंडेंस के साथ आपने जो है ना खिलवाड़ क्यों किया? आपने जो चीज अबंडेंस में है उसे अपनी दुष्टता से स्केर्सिटी में कैसे कन्वर्ट किया? चाहे वो पानी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो आप ये देखिए हर चीज अबंडेंस में है। आप पानी के अंदर चले जाइए, पानी के क्रीचर्स को देखिए, दे आर इन अबंडेंस एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से कुछ वीडियोज आपने देखे होंगे कि जो आपके वाटर जो जीव है उन्होंने जमीन उस पर समुद्र के अंदर बालू जो होती है उसमें कितनी अच्छी जो है ना आकृतियां बनाई हुई हैं, एंड दे आर ऑल ज्योमेट्रिक। तो ना केवल वो जीव बहुत सुंदर हैं, बहुत कलरफुल हैं, उनके द्वारा उगला हुआ चीज भी कॉरल के फॉर्म में बहुत ही सुंदर है, और हमने उस सुंदरता को विलोपित कर रहे हैं। हम कितने दुष्ट हैं अपने स्वार्थ के लिए। नहीं, कोई स्वार्थ नहीं है, वो अपनी अज्ञानता है। अज्ञानता क्या है? आपका स्वार्थ तो ये है कि आपके चारों तरफ अच्छे पेड़ हो, वो पेड़ जो है आपको ऑक्सीजन दे, आपको जो फल मिले वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक मिले, क्योंकि केमिकल तो आपने डाला है, नेचर भगवान ने तो केमिकल भेजा नहीं है, ठीक है ना? तो वो पूरी तरह ऑर्गेनिक हो और आपको बहुत अच्छे स्वादिष्ट ऑर्गेनिक फल दे, और ये जो ऑर्गेनिक फल होते हैं इनमें पेस्ट वेस्ट भी नहीं लगता है। ऑर्गेनिक चीजों में जो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस थिंग्स दे आर हैविंग बेटर प्रिजर्वेटिव एंड बेटर लॉन्ग लाइफ। तो यदि यदि जो है उसके द्वारा पैदा किए हुए फल, यदि नॉर्मल केमिकल के जो फल हैं यदि वो एक सप्ताह चलते हैं, तो
तो बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी कोल्ड स्टोरेज के, वो उससे डबल द लाइफ तो चलेगी चलेगी, बिकॉज दैट ऑर्गेनिक नेचर इज क्रिएटेड इन सच ए वे कि इट कैन लास्ट लॉन्गर, क्योंकि जो केमिकल होता है दैट डिटोरिएट द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन, तो जो पेरिसेबल कॉमोडिटी है वो भी जल्दी खराब हो रही है, राइट फिर आप उसको खा रहे हैं चारों तरफ से केमिकल, चाहे दूध के फॉर्म में हो, चाहे वेजिटेबल के फॉर्म में हो, हमने हार्मोनल इंजेक्शन लगा दिया तो वो भी हमारे अंदर जा रहा है। आप राजेश ये अनुमान लगाइए कि आपकी जो बॉडी का हर सेल जो है वो 2 महीने में लगभग बदल जाता है, तो देखा जाए कि 2 महीने पहले का राजेश और आज का राजेश ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सन, ईच सेल न्यू, राइट, और ये सेल क्या करती है, अपने आप को रेप्लिकेट करती है, आपकी जनरेशंस की मेमोरी जो है इन सेल में होती है, यू विल बी सरप्राइज दिस सेल्स आर हैविंग मोर मेमोरी देन योर ब्रेन, राइट, और ये जो 2 महीने बाद वो सेल बदल रही है, मतलब कुछ जल्दी भी बदल रहे हैं, मतलब 2 महीने में तो सभी सेल बदल जाएंगे, इंक्लूडिंग हड्डी वड्डी सब बदल जाएंगे, राइट, तो इस 2 महीने में जो आपकी बॉडी का एक्सपीरियंस रहा वो एक्सपीरियंस भी समवेयर इट विल व्हाट टू से दैट दैट एक्सपीरियंस विल आल्सो बी इनकोडेड इन आवर सेल, तो उस सेल में आपकी पुरानी जनरेशंस की मेमोरी है और आपकी इस जनरेशन की भी मेमोरी है, इंक्लूडिंग योर एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2 मंथ। कितनी चमत्कारी सेल है, एक सेल जो है वो जो है ना स्टेम सेल से जो ना आंख में भी बल गई है, उसी ने नाक बना, उसी ने दांत बना, बस सोचने की कोशिश करो कि भगवान ने क्या चमत्कारिक सेल बनाई है, मिराकल है सर, अपने आप में सर मिराकल है। इस मिराकल के साथ हमने कितनी दुष्टता के साथ खिलवाड़ किया है कि एक सेल जिसको आप बनाना खाते हैं तो वो आपके शरीर में कन्वर्ट हो जाता है, आप कुछ भी खाते हैं दैट गेट कन्वर्टेड इनटू योर सेल विथ योर जेनेटिक वैल्यू, उस सेल को हम कितने जोर से कंफ्यूज करने में सफल हो गए हैं बाय द बम्बार्डिंग ऑफ द केमिकल। कैंसर किस बैक्टीरिया या वायरस से होता है बताएंगे मुझे क्या? सॉरी सर, कैंसर किस वायरस या बैक्टीरिया से होता है बताएंगे मुझे क्या? मैं समझता हूँ ना कैंसर ना बैक्टीरिया, ये अपने आप में केमिकल का जो है, केमिकल किसी भी चीज का ज्यादा प्रयोग करना उससे उस पर्टिकुलर एरिया में वो सेल्स का ज्यादा एक्टिव हो जाना, सेल जो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, नॉर्मल सेल है वो अपनी एक्टिविटी ज्यादा फास्ट कर लेते हैं तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब ये है कि कैंसर किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं हो रहा है, तो कैंसर जो है हमारी दुष्टता से हो रहा है कि ये इतना पावरफुल सेल जिसको अपन ने अभी बातें की है, उस सेल को हम अपनी दुष्टता से इतना कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि इट इज स्टार्टेड ओवर ग्रोइंग, जिसको अपन कहते हैं कि वो बेनाइन से मिलायन हो गया है, जिसको हम कहते हैं वो कार्सजनक या कैंसरस हो गया है। सो इट इज ए रिवोल्ट ऑफ योर सेल अगेंस्ट योर सेल्फ, कैंसर इज नथिंग मोर देन दैट। ऐसे ही ऑटोनॉमस डिजीज है, ऑटोनॉमस डिजीज में आपकी एक सेल जो है वो कंफ्यूज हो रही है, वो अपने ही दूसरी सेल को फॉरेन बॉडी मान के उसे मारना चालू कर रही है, जो एक सेल से दूसरे सेल का सिस्टमेटिक हार्मोनिक बिहेवियर ना हो, इसको कहते हैं ऑटोनॉमस डिजीज। ऑटोनॉमस डिजीज भी किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से पैदा नहीं हो रही है। सो इट इज ए सियर रिवोल्ट ऑफ योर सेल, एंड ये रिवोल्ट का महा एक्सप्लोजन होने वाला है, क्योंकि हम कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी आ सकती है जब 100% पॉपुलेशन विल सफर फ्रॉम कैंसर, हाइपोथेटिकल, क्योंकि क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी हाई रहेगी कि 13% तो आप उसके साथ कितना भी अत्याचार कर लें तब भी उनको कैंसर नहीं होगा। वो इवन दवाइयों के फॉर्म में अति मजबूरी में ही एंटीबायोटिक और बाकी चीजें लेते हैं,
तो ऐसे लोगों की पॉपुलेशन भी मैं सोचता हूँ कि अब 8-10% के आसपास पहुंच रही है, तो 17 × 10 मतलब 27% पीपल तो कैंसर से सफर नहीं करेंगे। तो आप कितना भी अत्याचार कर लेंगे, 63% लोग जो है कैंसर से सफर करेंगे, और 63 मतलब हम उसको 66 कर लें, इसका मतलब है हर 3 व्यक्तियों में 2 व्यक्तियों को कैंसर होगा, उनकी लाइफ कैसी होगी। क्या हम ये अत्याचार बंद करेंगे? और जिस धन की आप बात कर रहे हैं, मैथिली शरण कह रहे हैं कि ये तो आपकी सोच के कारण हुआ है, हम इसकी वर्षा करेंगे। तो क्राइम फ्री भारत ने जिसका ओरिजिनल थीम था कि 5 सर्टेनिटीज के साथ वो आपको क्राइम फ्री भारत दे। पहली सर्टेनिटी के बिना थाने जाए, आपका FIR दर्ज हो जाए। दूसरी सर्टेनिटी की सबसे साधारण दर्जे का पुलिस ऑफिसर हमारे टेक्नोलॉजी सपोर्ट के कारण 100% केसेस को डिटेक्ट कर पाए। फिर CFB विल सपोर्ट द जुडिशरी और 7 दिन में आपके केसेस का निकाल करेगी, राइट? यदि जुडिशरी ने ऐसा सहयोग मांगा और हम उनका सहयोग कर पाए, 7 दिन में, जो अभी आप 20 साल में नहीं कर रहे हैं वो 7 दिन में होगा, क्योंकि थिंग्स विल बी हैपनिंग राउंड द क्लॉक। उसके लिए मॉडल ऑलरेडी बना लिया गया है एंड वी आर रिफाइनिंग दैट मॉडल। देन जो तीसरी प्रोबेबिलिटी, जो तीसरा है सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस, तो हम जो है कन्विक्शन नहीं करेंगे, न्याय करेंगे। और उसमें जो है यदि अन्याय के कारक लोग जो रहेंगे, जैसे दुष्टता से आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया है, दुष्टता से आपको गलत इन्वेस्टिगेशन करके फंसा दिया है, तो आने वाले समय में CFB का मॉडल ऐसे दुष्टों को जो है पहचान पाएगा और ऐसे दुष्टों को ठीक कर पाएगा, राइट? तो वो आपको, इसलिए वो कन्विक्शन की बात नहीं कह रहा है, इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ द कन्विक्शन, इट इज सेइंग कि इट विल गिव द सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस और सर्टेनिटी ऑफ प्रॉम्प्ट जस्टिस। फिर जो है वो चौथे उसमें कह रहा है कि हम चारों तरफ से CCTV IoT डिवाइस और पूरे 137 लोगों से ऐसे साक्ष्य इकट्ठे कर लेंगे, ऐसी चीजें इकट्ठी कर लेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो मॉडल विल बी इन पोजिशन टू प्रिडिक्ट कि क्राइम करने के लिए कौन निकल रहा है, और ये बात की संभावना विद अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी हम उसको समय रहते इंटरवीन कर पाएंगे, और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है, शुरू में कम रहेगी, शुरू में 50% होगी कि हम उसको अपराध करने के पहले कैप्चर कर लें, और बाद में ये संभावना धीरे धीरे बढ़ती जाएगी एज द मॉडल विल ग्रो इन दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर सवाल ये उठ रहा था कि भाई जब आप सब कुछ ही करने के लिए सफल हैं और सक्षम हैं, तो अपराधी को अपराधी क्यों रहना देना चाहते हैं, राइट? तो अपराधी को रिहैबिलिटेट करने वाली बात कही, और अब रिहैबिलिटेट करना तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी, जब आप अवेंडेंस मॉडल में पहुंच गए हैं तो उसके स्किल डेवलपमेंट करके आप केवल उसको रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे, यू विल रिहैबिलिटेट विद द अवेंडेंस। और क्राइम फ्री भारत अपने आप में 5 रेवेन्यू स्ट्रीम दे रहा है, वो रेवेन्यू स्ट्रीम विल कम जब गवर्नमेंट से जो है ना हमारा कोई टाई अप हो जाएगा, और यदि वो टाई अप होता है तो गवर्नमेंट को इतना रिसोर्स मिलेगा कि वो टैक्सेशन को कम कर पाएंगे और डेवलपमेंट के लिए पैसे की उनको कोई कमी नहीं होगी। अकेला क्राइम फ्री भारत वुड बी इन पोजीशन टू डू दैट। ओके सर, मतलब थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम टैक्सेशन को 0 पे ला सकते हैं, हाउएवर आई विल नॉट रिकमेंड दैट, आई विल रिकमेंड लेट इट हैपन एट 1%, 2%, 5%, या शुरू में ग्रेजुअली हम 30 से 20 पे लाएं, 20 से 10 पे लाएं, 10 से 5 पे लाएं, 5 से 2 पे लाएं, और फिर 1%। और वो 1% सिर्फ इसलिए रहेगा क्योंकि अवर डिजायर इज टू ब्रिंग द थिंग्स ऑन रिकॉर्ड, सो इट इज मोर फॉर अकाउंटिंग पर्पज रादर देन फॉर रिसोर्स पर्पज। रिसोर्स जो है वुड बी मेड अवेलेबल बाय द क्राइम फ्री भारत स्ट्रेटेजी, एंड वो जो है अवेंडेंस में होगा, मतलब पूरे देश की जनता एक बटन दबाएगी तो सरकार के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए पैदा होगा। सरकार के पास ऐसी और कोई मशीन नहीं है जो क्राइम फ्री भारत उनको देने वाली है, राइट? दैट काइंड ऑफ द अवेयरनेस। तो जब हम इस पे बात कर रहे थे, जी सर, तो जब हम इस पे बात कर रहे थे तो हमने सोचा कि हाउ टू ब्रिंग द एग्रो मॉडल,
एग्रो मॉडल ऑफ द अबंडेंस, और इसके लिए हम एक रिवार्ड सिस्टम लेके आए हैं, एंड दैट रिवार्ड सिस्टम विल बी टेकिंग अवे द स्केयरसिटी ऑफ द फंड. इट इज अलाउइंग द कॉस्ट टू बी बॉर्न बाय द नेचर, बाय कॉस्मोस. भाई आप जो भी गड़बड़ कर रहे हो, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? नेचर ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है, नेचर कर रहा है, राइट? सो जहां हम चाहेंगे वहां पे कॉस्ट रिफ्लेक्ट होगी, और जहां कॉस्ट हम नहीं चाहेंगे वो हम उसको पी जाएंगे. जैसे फार्मिंग विल बिकम द जीरो कॉस्ट प्रोफेशन, राइट? मतलब फार्मर को अपने खिसे का पैसा नहीं लगाना, फार्मर को अपने बदन को तकलीफ नहीं देना है, वॉलंटियर विल कम एंड डू द जॉब. और यदि वो एबल बॉडीड है, एनर्जी है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो फार्मर जब फिजिकली कंट्रीब्यूट करेगा तो ही विल गेट दैट रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर हिज ओन लेबर. ही विल बिकम द सीएफबी वॉलंटियर एंड ही विल बी गिवन द टास्क. इफ ही इज नॉट हैविंग द स्किल सेट, दैट उसका स्किल सेट डेवलप किया जाएगा, बट वो अपने फार्म से अलग कमा रहा है और उसका जो फिजिकल कंट्रीब्यूशन होगा उससे अलग कमाएगा. इसका मतलब है जो फार्मर कुछ करने की स्थिति में नहीं है तब भी उनका जो है सिस्टम सब कुछ करेगा. जैसे ज्वाइंट वेंचर के तहत जो जिसको सैपलिंग तैयार करने की जिम्मेवारी है, वो बिना कोई कॉस्ट फार्मर से लिए विल गो एंड प्रोवाइड द दोज सैपलिंग्स टू द फार्मर. वो क्या सैपलिंग देने वाला खुद आएगा? नहीं. जैसे ही वो अपने प्लांट फार्म जहां से भी वो सैपलिंग बाहर निकालता है, जब वो उन सैपलिंग को लगाएगा उस समय ही उतने वेल्थ पॉइंट जो है ना सिस्टम विल अलॉट टू दैट पर्सन. मतलब अभी आपने कुछ बेचा नहीं है, आपने जो है एक पौधा लगाया और वो पौधा जो भी हम साइज तय कर लेंगे उस साइज का हो जाएगा. देन थ्रू ए सिस्टम इट विल क्रिएट ए आइडेंटिटी ऑफ दैट थिंग्स एंड दैट आइडेंटिटी विल बी टैग्ड विद दैट प्लांट. इट विल बी ए QR कोड, और उस QR कोड के हिसाब से, रीडिंग के हिसाब से सिस्टम विल बी अलॉटिंग यू द बेस्ट पॉइंट. मतलब अभी जो फॉर्म सैपलिंग पैदा कर रहा है वो सैपलिंग कहीं बाहर नहीं गए, सिर्फ उसने एक साइज कर ली है, तो उसको एक बेल्थ पॉइंट जो है ना उसको मिल गए मुफ्त में, राइट? और जब वो जैसे एक साल का हो गया है और एक साल का भी जो है ना वो अभी बाहर नहीं गया उसके फार्म में भी है, तो इट विल अर्न द सम 100 पॉइंट और व्हाटएवर वी विल डिसाइड, बिकॉज उस फार्मर ने उसे उतने समय तक पाला पोसा है, राइट? तो ही विल गेट द वेल्थ पॉइंट फॉर दैट आल्सो, राइट? तो अज्यूम करिए कि आपने 1,00,000 प्लांट लगाए हुए हैं और 25 रुपए हमने आपको इनिशियल दिया, तो 25,00,000 को आपको वेल्थ पॉइंट में मिल गए हैं. आपने किसी को बेचा बेचा नहीं है, कहीं आपको कुछ नहीं किया है आपने, राइट? अब अज्यूम करिए वो प्लांट पूरे आपके पास ही रखे रहे और आपको एक साल बाद 100 रुपए पर प्लांट की वर्थ का जो है ना वेल्थ पॉइंट आपको मिल गए, तो 1,00,000 में यदि हमने 100 रुपए दिए तो आपको कितना मिल गया? 1,00,00,000 रुपए. अभी आपने सोसाइटी को कोई पौधा नहीं दिया, आपके आपके उसी में है वो पौधे, ठीक है ना, राइट? हम चाहेंगे कि हर कोई जितने हम कंज्यूम करने की स्थिति में है उससे 5 गुना ज्यादा पौधा लगाए, एटलीस्ट बिगनिंग में, या धीरे में जो है ना पहले वो जितना लगा सकता है और स्लोली ही शुड इंक्रीज कैपेसिटी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे फार्म से 5 साल का पौधा जो है बाहर निकले, तो उसकी कॉस्ट होगी 525 रुपए. यदि अपन मानते हैं कि वो 1,00,000 ही प्लांट है उसके पास, तो उसके पास जो है ना 5 करोड़ से ज्यादा की वेल्थ ऑलरेडी होगी यदि उसने उन सालों में और पौधे नहीं लगाए तो. लेकिन यदि अपन माने कि इतने पौधे वो और लगाता जाता है तो उसकी वेल्थ जो है ना 10 करोड़ या उससे ज्यादा की होगी, राइट? अब क्राइम फ्री भारत जो है ना बैकएंड इंजन डिसाइड करेगा कि किन किन किसानों से हमारा ज्वाइंट वेंचर हो गया है, उनको जो है सीएफबी विल अलॉट द प्लांट. जब जैसे ही प्लांट उसके फार्म से बाहर निकलेंगे, ही विल अर्न द रिवार्ड पॉइंट एंड दीज रिवार्ड पॉइंट्स आर रिडीमेबल एट द फिंगर टिप एट दैट मोमेंट ऑफ द टाइम. मतलब किसान को कहीं जो जिसने जो है ना सैपलिंग पैदा किए हैं उसे कहीं बेचने नहीं जाना पड़ रहा है, सिर्फ गेट से बाहर निकला है
और गेट के बाहर निकलने के लिए देयर विल बी इंस्पेक्शन टीम, कोई सब स्टैंडर्ड पौधा बाहर नहीं निकलेगा, राइट। सो जैसे ही जो है ना उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद वो बाहर निकलता है, और यदि क्वालिटी इंस्पेक्शन विल बी एट बोथ एंड, यहाँ बाहर निकलने के एंड पे भी होगा और जहां पहुंच रहा है यदि वहां पे लग रहा है कि नहीं गलत पौधा पहुंच गया है, तो अनदर क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम विल कम ओवर देयर, और यदि इस क्वालिटी इंस्पेक्शन टीम ने अपना काम नहीं किया होगा तो देयर विल बी वेरी हैवी पेनल्टी, और वो जो है ना उस फार्मर पे भी आधी जाएगी और आधी उस क्वालिटी कंट्रोल टीम पे जाएगी। और चूंकि क्वालिटी कंट्रोल टीम को करने के लिए बहुत हैवी रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, तो जो जितना भी वो काम करेगा उसको उसी इंस्टेंट रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे, और रिवार्ड पॉइंट अबंडेंस में है। रिवार्ड पॉइंट की हम वर्षा करना चाहते हैं क्योंकि हम वेल्थ बांटना चाहते हैं, राइट। एंड दिस जो रिवार्ड पॉइंट है इट इज ए रीडेमेबल थ्रू द सेम ऐप एट द योर फिंगर टिप्स। तो आपके ऐप में आपका अकाउंट जो है ना लिंक्ड रहेगा, जैसे ही आप बटन दबाएंगे कि मुझे 100 रिवार्ड पॉइंट जाना है तो उसमें 1% की ट्रांजेक्शन नहीं, रिडेमेशन फीस इज ऑफ द 20%, राइट। तो 100 रुपए को यदि आप रिडीम करोगे तो 20% जो है ना रिडेमेशन फीस काट के वो 80 रुपए आपके अकाउंट में तत्काल रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आप ये सोच रहे होंगे इतनी 20% हमने हैवी रिडेमेशन फीस क्यों रखी है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही रिवार्ड पॉइंट पैसे में कन्वर्ट होंगे वो अपने द्वारा स्केर्सिटी का स्वरूप ले लें। तो हम चाहते हैं कि अबंडेंस अबंडेंस में बनी रहे, तो इसलिए जो है रिवार्ड पॉइंट एज पर माय विजन थ्योरेटिकली बाद में कोई भी रिवार्ड पॉइंट पैसे में कन्वर्ट नहीं होगा। जहां पर आपका रिवार्ड पॉइंट चलने का क्षमता नहीं होगा वहां पर ही केवल जो है आपको पैसे की जरूरत होगी, और आगे चल के सीएफबी विल बी एंटरिंग इनटू द ज्वाइंट वेंचर एंड अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट। कल कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके मास्टर कार्ड और वीसा कार्ड वगैरह दे माइट बी हैविंग सम अंडरस्टैंडिंग विद सीएफबी, तो मालूम पड़ा कि आपके रिवार्ड पॉइंट जो है ना वहां पे क्रेडिट कार्ड पे भी इंटरटेन हो रहे हैं, तो व्हाई यू नीड मनी, राइट। बट दैट मनी इज अवेलेबल एंड द मोमेंट यू अर्न दोज रिवार्ड पॉइंट जस्ट बटन दबा के यू कैन convert into the rupee that will immediately will be reflected on your bank account immediately usi app mein. Aapko kisi ke paas nahi jana hai, kahin application nahi lagana hai, koi prakriya nahi karna hai, kuch nahi karna hai, right? Aur ye 20% bhi redemption fees isliye rakhi hai, we don't wish that hamara jo itna abundant model ka jo reward point hai that should not get converted into money, because jaise hi uska swarup money mein convert ho jayega it will become things of the short supply. हम abundance से scarcity में प्रवेश कर जाएंगे, right? अब ये पौधा जो है हमारा जो transport volunteer है, जिसके पास transport system होंगे, जिसके पास racks होंगे, बिना किसी disturbance के वो जो है बड़े professional तरीके से जहां पहुंचाना है, जहां crime free भारत उसको बताएगा उस farm में पहुंच जाएगा वो। उसको कोई farmer नहीं खरीद रहा है। It will be dictated by the क्राइम फ्री भारत प्लेटफॉर्म की उसकी प्रायोरिटी के हिसाब से कहां कितने पहुंचना है, राइट। तो हम उसको जो है ना 100 जगह बांट सकते हैं कि भैया 10 प्लांट यहां लगा लो, यहां लगा लो, बट देयर विल बी ए फुल प्लानिंग कि वहां टोटल कितने प्लांट लगना है। तो चूंकि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा फायदा मिलने लगे तो एक जगह पर सभी प्लांट लगाने की बजाय वी माइट जो है ना प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रीब्यूट इन से थाउजेंड्स ऑफ द फॉर्म, जिससे एवरीबडी शुड फील बेनिफिटेड, राइट। अब ये पौधा जो है ना वहां पहुंचा, फार्मर को कोई पैसा नहीं देना है, फार्मर के चूंकि ये वेल्थ उसके खाते में जुड़ गई है, पहले उसको जो वेल्थ उसकी जो भी खेत की वैल्यू है, सिस्टम विल असेस एंड विल असाइन ए वेल्थ वैल्यू टू द फार्मर, राइट। सो ही विल बी हैविंग द वेल्थ और एसेट पॉइंट्स। अब जैसे ही ये पौधा वहां पहुंच गया तो उसकी वेल्थ बढ़ गई है, तो वट एवर द वैल्यू ऑफ द प्लांट that will be added to it, और जैसे ही उसके फील्ड में ग्रो होगा वो, तो उसका वेल्थ बढ़ रहा है, तो those wealth point will be keep on increasing, right? अब जो है ये wealth point जहां से आए हैं उसकी cost तो आपके ऊपर आना है, right? तो आपकी negative credit में point चले जाएंगे, जो हम आपसे जो है तब तक जो है रिकूप नहीं करेंगे, वी विल हैव द रिकूपमेंट पॉलिसी। मतलब जब आप यदि हमने फिक्स किया कि आप 25 लाख रुपए से ज्यादा कमाने लगेंगे, 25 लाख पॉइंट से ज्यादा कमाने लगेंगे, तब आपका नोशनल जो है ना
रिकवरी में भी इनसिग्निफिकेंट मैनर में रिकवर की जाएगी, जस्ट टू जो है रिड्यूस द अवंडेंस ऑफ द पॉइंट, राइट? दैट द मॉडल, साइंटिफिक मॉडल विल डिसाइड कि हमें क्या रिकवरी करना है. तो जब तक आप मिनिमम आय आपकी नहीं होगी डिसाइडेड बाय अस, तब तक कोई रिकवरी नहीं होगी. वो पॉइंट वहां सिर्फ दिखते रहेंगे. जो ट्रांसपोर्ट वाला है उसको पॉइंट मिल जाएंगे, वो पॉइंट भी आपके इसमें नेगेटिवली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको ना तो उसको पैसे देना है, ना आपसे जो है ना कोई वसूली कर रहा है. रिकवरी नहीं है सर. नो रिकवरी, नो कॉस्ट. आप उसको रिकवरी कह रहे हैं, आई एम सेइंग जीरो कॉस्ट. जीरो कॉस्ट. जब हम आपसे रिकवर करेंगे तब वो कॉस्ट में कन्वर्ट होगा, और हम आपसे आसानी से रिकवर करने के मूड में ही नहीं है. फार्मर को तो बेनिफिट है ना सर. नहीं नहीं सभी को बेनिफिट है. इतना बेनिफिट है कंज्यूमर एंड पे, तो इतना बेनिफिट है कि उसको जो ना सोना मिलेगा, अमृत मिलेगा, और ये बीच की कॉस्ट जो है ना वो सीएफबी खा जाएगा. तो अभी जब आप कॉस्ट जो है ना कंज्यूमर एंड पे देखते हैं, तो उसमें आप सभी कॉस्ट को जोड़ते हैं. जैसे इसमें क्वालिटी कंट्रोल है, तो क्वालिटी कंट्रोल करने वाले को अवार्ड पॉइंट मिलेंगे, बट वो कॉस्ट, वो कॉस्ट कौन खा जाएगा? सीएफबी खा जाएगा. अब जो है उसको एक क्वालिटी कंट्रोल के बाद जो है ना पैकेजिंग होगी, तो एक पैकेजिंग टीम आएगी जिस जो कि पैकेजिंग के ऊपर रिसर्च करके अपनी पैकेजिंग सिस्टम को इम्प्रूव करेगी, राइट? वो पैकेजिंग टीम को ही हम ट्रेन कर देंगे, सो इट विल क्रिएट ए आइडेंटिटी टैग ऑन द पैकेट. और वो आइडेंटिटी पैकेट जो क्यूआर कोड होगा, इट विल बी हैविंग आइडेंटिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, इट विल हैव द आइडेंटिटी ऑफ योर फार्म हाउस, फार्म उसकी जियो फेंसिंग के साथ, it will have the details of the quality and it will have the details about the consumer feedback. So, जैसे अभी आप किसी मॉडल पे खरीदते हैं तो कितने कितने जो है ना कमेंट्स हैं, you can see this much comment. तो जो कमेंट आएंगे they will also be seen by the consumer and उसके ऊपर वो decision making करेंगे, right? और ये चमत्कार है क्योंकि सब cost जो ना CFB खा जा रहा है. CFB यहाँ पे लॉर्ड शिवा की भूमिका निभा रहा है. आपने समुद्र का मंथन किया, उसमें अमृत पैदा हुआ और विष भी पैदा हुआ, तो उसने अमृत खाने को आपको दे दिया और विष का पान जो है ना खुद करता जा रहा है. तो सीएफ भी आगे चल के नीलकंठ बनेगा, क्योंकि वो सब कॉस्ट को खा जाएगा और कंज्यूमर एंड पे भी उस अमृत को आज जिस रेट पे जो है ना कंज्यूमर खरीद रहा है उसका 1/4, 1/3 रेट पे जो है ना उसको वहां खरीदेगा और वो अमृत खरीदेगा. तो ये आज का कैंसरस जो ना प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. सो दे विल गेट अमृत एट द पिटेंस. आज जिस रेट पे वो खरीद रहा है उसके लगभग 1/3 या 1/4 कॉस्ट पे इट विल बी डिलीवर्ड. और इस पूरे प्रोसेस में कॉस्ट आएगी, उस कॉस्ट को सीएफबी नामक लॉर्ड शिवा नीलकंठ वर्धन करके वो उसको बिस के रूप में अपने अंदर जो है ना डालते जाएंगे, आपके ऊपर उस कॉस्ट को रिफ्लेक्ट नहीं होने दे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द अवेंडेंस मॉडल. बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यही कांसेप्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था सर. नहीं नहीं देखिए कैसे हम खाएंगे हम वो भी बता रहे हैं ना अभी. आप चिंता मत करिए. एंड एट द सेम टाइम जो हम आपको रिवार्ड पॉइंट दे रहे हैं, इट इज रिडीमेबल एट द क्लिक ऑफ पॉइंट. आपको कहीं जाना नहीं है. जो आपका ऐप होगा आप जितने चाहें, क्योंकि हम ये चाहेंगे कि आप अपने रिवार्ड पॉइंट को इनकैश ना करें, क्योंकि आपका रिवार्ड पॉइंट विल बी लूजिंग इस वैल्यू बाय 20% इमीडिएटली फॉर नथिंग. तो यदि आपको पैसे की जरूरत नहीं तो आप पैसे में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हो? और रिवार्ड पॉइंट से आप जो चीज खरीदोगे उसमें 10% का डिस्काउंट है. तो रुपए में कन्वर्ट करके और फिर रुपए से खरीदने का मतलब है यू आर 20% आपने रिडेम्पशन में खो दिया और 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, क्योंकि यदि आप उसे रिवार्ड पॉइंट पे खरीदेंगे तो व्हाटएवर बी द कॉस्ट यू हैव टू पे 90% ऑफ इट. और इंक्रीजिंगली एवरीबॉडी विल बिकम द पार्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर ऑफ द सीएफबी. तो हम जितने भी प्लेयर्स हैं जिनसे आपको कभी कुछ भी चीज की जरूरत पड़ती है, स्लोली वी विल बी हैविंग द पार्टनरशिप एंड जॉइंट वेंचर विद देम. तो आपके जो है रिवार्ड पॉइंट से खरीदने की जो क्षमता है, एज वी विल प्रोसीड, एज अवर मॉडल विल ग्रो, it will become unlimited. Probably you will not need money, okay. Right? Because converting your reward point
is a foolish decision. Firstly, you are losing 20% as a redemption fees, and then you are losing 10%, 20% as redemption fees, and 10% you are losing as a purchasing power. क्योंकि एक रुप जब आप 100 रुपए दोगे तो वही चीज जो है रिवार्ड पॉइंट 90 पॉइंट में खरीद पाएंगे, तो आपको तो डबल लॉस हो गया ना। और आप अपने रिवार्ड पॉइंट को यदि सीएफबी के फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करेंगे तो सीएफबी विल गिव यू 1% मोर इंटरेस्ट रेट, सो योर रिवार्ड पॉइंट विल बी ग्रोइंग। जो एसबीआई का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा फिक्स्ड डिपॉजिट का, उससे 1% ज्यादा दिया जाएगा। तो आप 6 महीने के लिए जो फिक्स डिपॉजिट में डाल रहा है, 1 साल के लिए डाल रहा है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, राइट। एंड यदि मान लो आपको जरूरत पड़ गई और आपके फिक्स डिपॉजिट से आप निकालना चाहते हैं तो टोकन पेनल्टी के साथ वो दैट इज आल्सो डूएबल, राइट। तो ओनली फुलिस या तब तक जो है ना आदमी को वो रिडेम्पशन करना पड़ेगा जब तक जो है जो वो चीज खरीदना चाहता है इट इज नॉट अवेलेबल थ्रू द रिवार्ड पॉइंट्स। एंड हमारा जो ओपिनियन लीडर्स हैं दे विल बी अग्रेसिवली, देर विल बी ओपिनियन लीडर इन एवरी फील्ड, राइट। सो देर विल बी स्टेट लेवल ओपिनियन लीडर्स, देर विल बी दैट ब्लॉक लेवल ओपिनियन लीडर, देर विल बी विलेज लेवल ओपिनियन लीडर्स, और वो एक नहीं होंगे, दे मे बी 10-20, और उन्हें अपना काम करने के लिए भी रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो हमारे सिस्टम में जो सबसे कम रिवार्ड पॉइंट कमाएगा, हमने अवेंडेंस बांटना है तो हमने सोच के रखा है कि उसकी परचेजिंग पावर जो है ना शुड नॉट बी लेस देन 48,000 रुपीज पर मंथ। अब आप ये मान के चलिए कि आपके यहाँ पे 4 वॉलंटियर्स हैं तो दैट फैमिली विल अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ, और वो लोएस्ट वाली बात है। इफ यू आर डूइंग हायर लेवल वर्क योर रिवार्ड कंपनसेशन विल बी हायर। इसका मतलब यह है कि यदि अकेला आदमी काम कर रहा है तो ही विल गेट 48,000 रुपीज इक्विवेलेंट परचेजिंग पावर, राइट। और यदि जो है ना बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो दे विल गेट मल्टीपल ऑफ दैट, राइट। एंड जैसी जो क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ योर क्वालिटी बढ़ेगा, जैसे ओपिनियन लीडर्स हैं तो विलेज लेवल ओपिनियन लीडर में गेट 2 लाख वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर, राइट। ब्लॉक लेवल में गेट से 5 लाख वर्थ ऑफ परचेजिंग पावर। डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर जो है ना डिस्ट्रिक्ट ओपिनियन लीडर में विल गेट 10 लाख रुपीज ऑफ द परचेजिंग पावर। नाउ ये परचेजिंग पावर उसे देना है ये हमने पहले से डिसाइड करके रखा, तो वेल्थ की अवेयरनेस क्रिएट कर दी कि नहीं कर दी? बिल्कुल, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब जो है अज्यूम करिए कि जो परचेजिंग एंड पे है यदि वो रुपए से खरीदेगा तो उसे 100 रुपए में 100 रुपए की चीज मिलेगी। यदि वो चीज जो है वो रिवार्ड पॉइंट से खरीदेगा तो उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 10% पहले तो सभी को अमृत खरीदने का मौका मिले, केवल आपके वॉलंटियर्स और उनको ही अकेला ना मिले, आपकी जो ज्वाइंट वेंचर से जुड़े हुए हैं वो अकेले लोग ही उनको ना मिले, बल्कि पब्लिक एट लार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर दे आर सिटिंग, जहां पे भी वो बैठे हैं उनको कैसे उसका लाभ मिले, क्लियर, राइट। तो क्या होना चाहिए उसके लिए? उसके लिए उसे भी 10% का रिवेट मिले, सो अपने ऐप से वो रिवार्ड पॉइंट खरीद पाएगा, और जब वो रिवार्ड पॉइंट खरीदेगा तो ही हैज टू पे आप लोग अपना माइक्रोफोन को ऑफ कर दीजिए कि इको आ रही है, प्लीज प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन। तो जो व्यक्ति है जो कि आपसे जुड़ा नहीं है, उसके पास कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं है, उसे भी हम रिवार्ड पॉइंट का बेनिफिट देना चाहते हैं, राइट। सो उसी ऐप से ही कैन परचेज reward point because he is having the rupee, he is not having the reward point. And for purchasing reward point, he has to pay a transaction cost of 1%. तो भी जो है वो 99 पॉइंट से 1.1 times more जो है ना commodity खरीद पाएगा. He is purchasing almost 10 times
10% more commodity from the same money. तो यदि वालों कोई चीज 1 किलो खरीद पा रहा है तो वो रिवार्ड पॉइंट में कन्वर्ट करके 1 किलो 100 ग्राम खरीद पाएगा, और वो भी सोना, और वो सोना जहां पे कंज्यूमर एंड के बीच सभी बीच की कॉस्ट जो है ना वो सेवा खा जा रहे हैं, तो इट वुड बी अवेलेबल. तो हम उसमें फार्मर्स को बहुत सारे अधिकांश डिसीजन विल बी टेकन बाय द फार्मर, और हमारा सिस्टम उसको एग्रीगेट करके नेशनल डिमांड को जो है ना मैच करेगा, और जो एग्रीगेट उसको नेशनल डिमांड भी ना कहें, लेट इट बी एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड जो है इट विल बी सम टोटल ऑफ द 3 डिमांड्स, एक नेशनल डिमांड, दूसरा जो आप स्लोली उस चीजों को प्रोसेसिंग करेंगे तो प्रोसेसिंग रिलेटेड डिमांड, एंड थर्ड विल बी इंटरनेशनल डिमांड. जब भारत में सोने की वर्षा होगी तो क्या विदेशी लोग लाइन नहीं लगाएंगे? विदेशी लोगों को वो जो है ना इतने भाव पे नहीं मिलेगा, इट विल बी मिनिमम 10 times, क्योंकि उसकी सब कॉस्ट तो जो ना सिवा खा जा रहे हैं, राइट? लॉर्ड सिवा उसकी पूरी कॉस्ट जो है ना अपने अंदर ले जा रहे हैं, तो वो कॉस्ट जो है ना ऐसे थोड़ी देंगे. तो विदेशियों को जो बेचा जाएगा इट विल बी द 10 times और मे बी 100 times डिपेंडिंग अपॉन अवर अवेलेबिलिटी. यदि हमारे पास अवेलेबिलिटी ज्यादा कम है तो अकॉर्डिंगली इट विल इंक्रीज इस रेट. और ये पैसा कहां जाएगा? फार्मर कॉस्ट आपने खाली, उसका जो पौधे पहुंचे थे उनको उनके लिए गड्ढा खोदने के लिए कोई वॉलंटियर जाएगा, उस वॉलंटियर को जो है ना पैसा मिलेगा, जो वॉलंटियर को अपन ने कहा है कि मिनिमम 48,000 रुपीज वर्थ परचेसिंग पावर वी विल बी गिविंग टू हिम, राइट? वो जाके आपके गड्ढे खोद देगा. दूसरा वॉलंटियर जाएगा, वो जाके सबके प्लांट लगा देगा, उसको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाएगा कि वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करते हुए, हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने की जिम्मेवारी जो गायशाला वगैरह होंगे उनके पास रहेगी, और उनको जैसे ही अपन ने सैपलिंग के लिए कहा ऐसे ही उनके साथ होगा कि उनके गौशाला से बाहर वो खाद निकली हर क्वालिटी कंट्रोल के बाद, क्योंकि गड़बड़ी किसी को नहीं करने दी जाएगी, एंड देयर विल बी द क्वालिटी कंट्रोल एट द टू एंड. तो यदि मान लो क्वालिटी कंट्रोलर ने अपना जॉब रिलीजियसली नहीं किया और आपके जो है ना दूसरे एंड पे वो पकड़ा गया, तो देयर विल बी वेरी हैवी पेनल्टी इन फॉर्म ऑफ रिवार्ड ओनली ऑन बोथ द पीपल. मतलब जो है ना गौशाला वाले पे भी पेनल्टी लगेगी और जिसने उसको ग्रेड किया उस पे भी पेनल्टी लगेगी, और यदि उसने अपना बिहेवियर कंसिस्टेंटली जो है ना सेम रखा और इम्प्रूव नहीं किया तो ही विल बी रिवार्ड, सो ही विल नॉट बी देन क्वालिटी कंट्रोलर ऑफ द सीएमपी. तो जैसे अपन क्राइम फ्री भारत में कह रहे हैं कि डूइंग क्राइम इज नॉट ए ऑप्शन, ऐसे ही सीएफबी एग्रो मॉडल में मक्कारी बदमाशी के लिए कोई जगह नहीं है. जब लॉर्ड सिवा सब खा जा रहे हैं और आपको अमृत अकेला बांट रहे हैं, बिस सब वो पी जा रहे हैं, तो भाई फिर आप दुष्टता क्यों करना चाहते हैं? और वो भी उस चीज के लिए दुष्टता क्यों करना चाह रहे हैं जो आपके साथ जाने वाली नहीं है, यहाँ की चीज यहीं रहने वाली है ना. आप अपने साथ लेके आए थे, जो कुछ लिया यहीं से लिया, कुछ कन्वर्ट किया तो यहीं से कन्वर्ट किया, दिमाग लाया तो दिमाग भी यहीं पे पैदा हुआ आपका, तो यहाँ की चीज यही रहने वाली है, तो और वो भी अबंडेंस में रहने वाली है, तो फिर ग्रीड किस बात की, राइट? तो उसके पास ऑर्गेनिक खाद भी बिना पैसे की पहुंच रही है. ये बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि उसके एसेट में वो जुड़ेगा और लाइबिलिटी में वो पॉइंट जुड़ते जाएंगे जो लॉर्ड सेवा खा गए हैं. जब उनका दिल करेगा कि उसको जो है ना वापस लेना है तो वो अपने उस, क्योंकि दैट इज नेगेटिव पॉइंट विच विल बी एग्जिस्टिंग देयर, जो हम बहुत आसानी से रिकवर नहीं करेंगे, ये पहले से कमिटमेंट है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उस कॉस्ट को तो लॉर्ड सेवा खा गए हैं, वो कभी रिकवर भी करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, या सिर्फ आपको दिखाते रहेंगे कि देखो इतना फेवर किया मैंने आपको. तो हर किसी को फेवर दिखता रहेगा बिना उस फेवर को वापस लिए. सूर्य भगवान तो आपसे नहीं कहते ना कि मैंने रोशनी दी मुझे पैसे दो. पेड़ जो फल पैदा कर रहे हैं वो तो नहीं कहते हैं कि भैया मैं तुमको फल दे रहा हूं पैसे दो. तो लॉर्ड शिवा में डिसाइड नॉट टू रिकवर इट एट ऑल. लॉर्ड शिवा तो देने वाले हैं, अमृत बांटने वाले हैं, वो आपसे पैसे क्यों लें वापस? और वो पैसा जो कि आप यही छोड़ के जाओगे अपने साथ, कौन सा आपके साथ ले जाने वाले हो, राइट? इसमें जो है जो ट्रांसपोर्ट मॉडल रहेगा, तो जो टैगिंग हो गई है, टैगिंग के बाद जो है देयर विल बी स्पेशलाइज्ड रैक टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ द कमोडिटी. तो एक रिसर्च विंग जो है विल बी डूइंग दैट वर्क, राइट? तो हमारे जो रैक्स जो है दे विल बी इंप्रूविंग एज वी विल ग्रो, क्योंकि
जहां जो चीज की कमी प्रॉब्लम होगी, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल क्रिएट द टेक्नोलॉजी, विल क्रिएट डिवाइस, विल क्रिएट टूल्स, और वो भी आपकी कॉस्ट पर नहीं, लॉर्ड सेवा की कॉस्ट पर। ठीक है सर। तो इट इज नॉट एडिंग जो है ना कॉस्ट ऑन योर पार्ट, जिसको आप कॉस्ट समझते हो वो आपके एंड पे जुड़ नहीं रही है, उसको लॉर्ड सेवा जो है ना खा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है सर। तो अब जो है बहुत ही एडवांस जो है ना उसके लिए डिजाइन, इंक्लूडिंग यदि उसमें जो है, क्योंकि हर चीज की कॉस्ट जो ना लॉर्ड सेवा खा रहे हैं, तो आपके पास जो चीज भी बनना चाहिए, यदि गांवों के लिए सेट बनना चाहिए तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आपके जो टैंकर्स होना चाहिए, दे शुड बी हैविंग एन नंबर ऑफ द डिवाइसेज, जिससे आपको बदमाशी ना करने दें। गाय का सीधा निकलने का सिस्टम होगा, जिससे गाय से दूध निकला सीधे पहुंच गया, उसकी ग्रेडिंग रेडिंग होकर सीधे आपका जो ना टैंकर में चला गया। आप कुछ गड़बड़ी ना करने देना विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द सीएफपी, राइट। और आपके ऊपर कोई कॉस्ट आने नहीं देना है उनको, क्योंकि कॉस्ट खाने का जो है ना निर्णय जो है ना लॉर्ड सेवा ने अपने ऊपर ले लिया है, राइट। तो चाहे वो एडवांस टैंकर्स होंगे, अब ये बताइए कि हमने एक एडवांस टैंकर डिजाइन किए या जो डिजाइन है उनको मॉडिफाई किया, और जो टैंकर बनाने वाला है उससे हमारा ज्वाइंट वेंचर है, तो उसको जो है ना बेचने के लिए ध्यान नहीं देना है कि उसको तो सिर्फ ये करना है कि कितने ज्यादा से ज्यादा वो पैदा कर सकता है, और जैसे ही टैंकर उसके गेट से बाहर निकलेगा वो रिवार्ड पॉइंट उसके खाते में पहुंच जाएंगे, राइट। एंड वो रिवार्ड पॉइंट इज रिडीमेबल एट दैट पॉइंट ऑफ द टाइम, राइट। तो जी सर, हमारी पूरी व्यवस्था चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की होगी या किसी की भी होगी, उसमें इतने बड़े बड़े दिमाग लगेंगे, बिकॉज देयर विल बी सेल हु विच विल बी क्रिएटिंग सॉल्यूशन। तो जब जो है ना इजराइल जैसा छोटा देश बहुत सारे सॉल्यूशन को डिजाइन कर सकता है, भारत जैसा विशाल देश जिसमें कि प्रकांडता का कोई मुकाबला नहीं रहा, तो सबसे पहले तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत सारा ज्ञान जो है ना वेद में छिपा हुआ है, आपके न्यूटन के फॉर्मूला से लेकर सब फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ये सब जो है ना पोंगा पंडित हैं जो कह रहे हैं कि साहब ये न्यूटन के फॉर्मूला है, कोई न्यूटन के फॉर्मूला नहीं है, दीज आर ऑलरेडी प्रोनाउंस्ड बाय अवर ऋषिज। अभी मैं एक कोई वो देख रहा था, आई शुड हैव रियली सेव्ड दैट, जिसमें बताया गया कि किस ऋषि ने वो न्यूटन का फर्स्ट प्रिंसिपल का जो है वो दिया मंत्र। सो न्यूटन ने तो वो मंत्र पढ़ के ट्रांसफर कर दिए, और आप इसको मत सोचिए कि एक्सीडेंटल, आपकी ये चीजें विदेशों में गई हैं, वहां ट्रांसलेट हुई हैं, तो आपको चाहे ना मालूम हो, लोगों ने उन्हें पढ़ा है और उसका फायदा उठाया है। आपका चाहे एरोप्लेन हो, चाहे बहुत सारी चीजें हो, इंक्लूडिंग योर सर्जरी थिंग्स दैट हैज कम फ्रॉम द चरक संहिता, वो कहते हैं तो वहां पे सब जगह पे वो डिटेल्स दिए गए हैं। मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स दे हैव रियली दैट कॉस्मिक नॉलेज व्हिच वाज देयर इन द फॉर्म ऑफ द वेद, उपनिषद एंडसेट्रा, दैट हैज बीन डिसाइफर्ड एंड हैज बीन यूज्ड बाय देम। तो हमारी टीम जो है वैदिक नॉलेज को यदि कहीं से कुछ मिल जाएगा तो उसको कोशिश करेगी, और बहुत प्रकांड पंडित हैं तो वो हमारे इवन वेद के जो उपनिषद को पढ़ के जो उन फार्मूला को और उन मंत्रों को यदि ला पाएंगे, जिनको हमारी टीम जो है उन पर रिसर्च करके विल कन्वर्ट देम इनटू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इसको करने की कॉस्ट जो है वो किसी के ऊपर नहीं जाएगी। क्राइम फ्री भारत वुड बी हैविंग द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएटिविटी फंड, उसके उसमें जो ना अमेरिका यूरोप सब पीछे छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस देश के पास अवेंडेंस हो तो उसके फट की क्या प्रॉब्लम है, यू एग्री? और जो आप कर रहे हैं दैट कॉस्ट इज नॉट बीइंग लोडेड ऑन योर प्रोडक्ट, मतलब R&D ने खर्च किया तो कॉपीराइट का जो है ना पैसा वो आपके आपसे रॉयल्टी नहीं लेने जा रहा है। CFB जो चीजें क्रिएट करेगा, जो वो दे विल बिकम द प्रोप्राइटरी आइटम ऑफ द CFB, जिसके लिए CFB कोई पैसा चार्ज नहीं करेगा। इफ यू वांट टू वर्क ऑन एंड इंप्रूव अपॉन इट, यू हैव टू जस्ट राइट ए लेटर ऑफ थैंक्स टू द CFB, यू हैव टू एक्नॉलेज। बट देर विल बी नो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी एंड देर विल बी नो रिस्ट्रिक्टिव थिंग्स। द ओनली कंडीशन वुड बी कि आप हमारी चीज को इम्प्रूव करेंगे तो वो चीज आपको हमको वापस करना पड़ेगी, सो दैट इट शुड बिकम इन ए पब्लिक डोमेन।
बिल्कुल सही। एंड आप हमको देने के लिए उसके लिए कोई पैसा नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि वो तो हमारी ही चीज ओरिजिनल है ना। आप तो उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उसका मूल तंत्र तो हमारा ही है, राइट? जी सर। एंड जहां पर जो है ए कॉपीराइट पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग हैंड विद अस, वी विल रिक्रिएट इट। यदि उनका दिमाग सोच सकता है तो हमारा दिमाग क्यों नहीं सोच सकता है? कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम रहेगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मटेरियल बनाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस और बनाएंगे। हमारा जो टीम जो है इसकी जो आयुष विंग है दैट विल इंश्योर दैट हेल्थ इज गिवन टू एवरीवन। एंड हमारा जो सनातन धर्म है वो कहता है कि हेल्थ हम जो है कैप्सूल में नहीं खाते हैं, हेल्थ हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो योगा हो चाहे हमारी डाइट हो। तो ये तमाम मेडिसिन जो कि जादुई प्रभाव आपके बदन पर लाएगी वो सीएफबी विल पुट इट इनटू दैट योर डाइटिंग। आपको ये एहसास क्यों होना चाहिए कि आपको जो है, तो आने वाले समय में द आटा जो रहेगा वो सीएफबी आटा फॉर द बीपी। इसका मतलब है कि उसमें जो मेडिसिनल हर्ब्स वगैरह होंगे दे विल बी मेड अवेलेबल। सीएफबी विल मेक इट श्योर कि सीजन के हिसाब से, तो यदि आपको जो है ना ब्लड प्रेशर है और आप आटा फॉर ब्लड प्रेशर और सब्जी फॉर ब्लड प्रेशर खाना चाहते हैं तो विंटर के लिए अलग रहेगी और समर के लिए अलग रहेगी, क्योंकि उसमें कईयों की तासीर होती है गर्म और सर्द। तो वो चिंता आपको नहीं पालना है, क्योंकि सीएफबी ने एक निर्णय और भी लिया है, वो ज्ञान नहीं बांटेगा, वो प्रोडक्ट और सर्विसेज बांटेगा और कॉस्ट को खा जाएगा। तो आपको जो भी चीज मिलेगी वो अबंडेंस में मिलेगी। अब देखिए किसान को 5 पैसे नहीं लगे, उसके यहाँ पे जो है पेड़ लग गए, यदि उसके पास जोतने का साधन नहीं है तो कोई हमारी वॉलंटियर टीम जाके उसको जोत भी देगी। यदि उसके पास जो है ना बेचारा बूढ़ा बूढ़ा है, उसके पास कोई बच्चा बच्चा नहीं है वो, या वो बच्चा करना भी चाहता है, तो सीएफबी विल गिव दैट देयर कंट्रीब्यूशन वैल्यू आल्सो। तो किसान को यदि अपना अपने खेत पे कुछ करना है तो वो किसान को फ्री में नहीं करना है। The CFV model give that additional value to him. तो हमारे मॉडल में किसान को जीरो काम करना है, वो जो भी करेगा it will earn the additional point for that. तो किसान को तीन तरीके से जो है ना से वो मिलेगा, एक जो उसके खेत में पैदा होगा और कॉस्ट आपकी जीरो है, आपकी हर चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी की होगी क्योंकि बड़ी रिसर्च टीम, बड़े एग्रो साइंटिस्ट पीछे काम करेंगे। Okay. और वो उनको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे जो कि पैसे के बराबर है, और वो उसकी कॉस्ट आपके ऊपर नहीं आएगी। Okay. तो जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना उसकी कॉस्ट आपके ऊपर जा रही है। फिर जो है जो पर्सिवेड कॉमोडिटी है, वी विल क्रिएट आवर सिस्टम ऑफ द वेयर हाउसेस कोल्ड चेन के, कॉस्ट आपके ऊपर नहीं जाएगी। कॉस्ट खाने के लिए भगवान शिव को बना दिया ना अपन ने, राइट? नाउ यू थिंक कि फार्मर बिना खर्च के, अपन ने कहा है कि उसकी जो प्रोड्यूस है वो डबल ऑफ एमएसपी से ट्रिपल ऑफ एमएसपी पे उसको दिया जाएगा। आज की जो एमएसपी आपने जो उसकी कॉस्ट आ रही है उसको मिला के कर रहे हैं, और उससे दुगनी पहले उसको मिल रही है विद द जीरो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। तो किसानों की तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। हाँ तो होगी ही है ना। हाँ होगी, बल्ले बल्ले क्यों नहीं होगी? सबसे अमीर कम्युनिटी तो जो ना फिर फार्मर ही रहेगी। चलाएगा। राइट? और क्योंकि लॉर्ड शिवा ने अवेयरनेस दी हुई है, तो लॉर्ड शिवा जिससे प्रसन्न हो जाएंगे उस पर धन की ज्यादा वर्षा कर देंगे। रिवार्ड पॉइंट ही तो पढ़ाना है। तो जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, बिल्कुल सही, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा लॉर्ड सेवा की उसके ऊपर जो है दया कृपा ज्यादा होगी। बिल्कुल होगी। अब जो है जो सीएफबी का ट्रांसपोर्टेशन मॉडल होगा, उसके पास ट्रक्स होंगे, वो जो है उसके पास जो ना रैक्स जो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो वो ट्रक जाके रैक्स पे चले गए, मतलब रेलवे उस पर, और वो रेलवे से जो है ना जहां पहुंचना वहां पहुंचे, ट्रक के ट्रक बाहर निकल गए और जहां उसको पहुंचाना वहां पहुंच गया, उसके
ट्रक के अंदर भी जो है ना स्पेशलाइज ऑटो काइंड ऑफ रैक्स रहेंगे, उसे मालूम होगा कि किसमें किसका सामान रखा है, और बैकएंड इंजन विल डिसाइड करेगा कि वो ट्रक को किस रूट से जाना है जिससे वो सबसे बाहर जो चीज रखी है उसको पहले अनलोड करते हुए निकल जाए। और इस काम को करने के लिए उस ड्राइवर को तकलीफ नहीं दी जाएगी, बैकएंड इंजन वो सब काम करेगा। तो देखा जाए तो ना सोचने का, ना करने का, कॉस्ट का, सब लॉट से वह अपने अंदर ले ले रहे हैं, राइट। अब अज्यूम करिए कि पेरिसेबल कमोडिटी है और वो खराब हो जाएगी, राइट। तो सीएफबी विल हैव देयर ओन वेयर हाउसेस, सीएफबी विल हैव द कोल्ड चेन। सीएफबी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, उसे केवल एक ज्वाइंट वेंचर करना है। सीएफबी विल नॉट बी क्रिएटिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। सीएफबी के पास जो रिसोर्सेस होंगे वो 137 करोड़ होंगे, क्योंकि आप सब हमारे रिसोर्स हैं। जी सर, बिल्कुल सही। सीएफबी तो जो है ना एक उससे बड़ी, लॉर्ड सेवा से बड़ा तो कोई है ही नहीं ना। आप सबका जो कुछ है वो भी उसका है ना, जो आपके वेल्थ पॉइंट है वो उसी के तो है और किसके है, राइट। तो चूंकि पूरी कॉस्ट जो है ना वो लॉर्ड सेवा खा जा रहे हैं, तो किसान जो कंज्यूमर है ही विल गेट इट एट द, चूंकि उसको 10% रेट भी मिल रहा है तो उसको 1.8 टाइम्स ऑफ एमएसपी में जो है ना वो खरीद पाएगा। अभी वो चाहे वो बनिए के कारण हो, चाहे वो जो है ना रिटेलर जो हाँ ठेला लेके चल रहा है। जरा माइक्रोफोन को ऑफ करें राजेश, इको आ रही है। तो चाहे जो है अभी जो है चाहे वो ठेले वाला बेच रहा हो, कंज्यूमर को तो 4 गुना 5 गुना 10 गुने पे ही मिल रहा है। चाहे जो है ना उसको मंडी के थ्रू या अदरवाइज सेट खरीद रहा हो, आड़तिया खरीद रहा हो, वो डीप पॉकेट में कहीं स्टोर करके जो कंज्यूमर एंड पे तो जो है ना 5 गुना और 10 गुना कीमत पे ही पहुंच रहा है। नाउ रिवार्ड मनी का यूज करके, रिवार्ड पॉइंट का यूज करके वो कंज्यूमर 1.8 टाइम्स ऑफ एमएसपी पे खरीद पाएगा, और वो भी उसके घर पे पहुंचना है। अब सवाल उठता है कि वो उसी क्वालिटी का जो उसने खरीदा है, क्योंकि देयर विल बी अमेजन जैसा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे वो जिस तरीके अपनी सेंसिटिविटी के हिसाब से वो चीज खरीद पाएगा। तो यदि वो डिसाइड करता है, अमेजन ग्रुप डिसाइड करते हैं कि उसे उनके राजेश के फील्ड में जो 2-3 फील्ड आपके हैं हमें उस फील्ड की ही चीज चाहिए, तो आई कैन परचेज वट एवर इज बींग ग्रोन बाई यू बिकॉज आई एम हैविंग द ग्रेटर फेथ इन यू, या आपके रिवार्ड, आपके जो ग्रेडिंग है, आपके कमेंट्स हैं, आपका जो वैल्यूएशन है, इट इज ऑन हायर साइड, राइट। और आपको अपने प्रोड्यूस का रेट जो है ना फिक्स करने का हमने पावर दिया। तो किसान 2 टाइम्स ऑफ एमएसपी से 3 टाइम ऑफ एमएसपी के बीच में अपनी कीमत फिक्स कर सकता है, और यदि उसको लग रहा है उस कीमत पे नहीं उठ रहा है तो उसे कम कर सकता है वो, लेकिन 2 टाइम्स ऑफ एमएसपी के नीचे आ ही नहीं सकता है। सिस्टम विल नॉट अलाउ इट टू हैपन, राइट। यदि जो है रिवार्ड पॉइंट से सामने वाला खरीदेगा तो उसे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फार्मर को 1.8 टाइम्स ही रिवार्ड मिलेंगे। वो बेच रहा है 2 एमएसपी में, लेकिन चूंकि 10% का डिस्काउंट जो है ना सिस्टम ने ऑलरेडी सोचा हुआ है, तो उसको फिर 1.8 टाइम ऑफ एमएसपी के ही रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे। और चूंकि वो देखा जाए तो इट इज इक्विवेलेंट टू द 100%, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर 10% मोर है, तो अपने एंड पे भी जो वो खरीदेगा वो तो 10% मोर खरीदेगा, तो उसे तो पूरा 2 एमएसपी मिलेगा। तो उसको 2 एमएसपी से 3 एमएसपी की वैल्यू जो है ना किसान को मिलेगी विद द जीरो कॉस्ट। कंज्यूमर को 2-3 एमएसपी के बीच में जिससे चाहेगा वो चीज उसके पास पहुंचेगी, राइट। और वहां पर एक क्वालिटी कंट्रोल सर्विस रहेगी, कॉस्ट तो लगना नहीं है, कॉस्ट तो सिर्फ लॉर्ड सेवा पी रहे हैं। तो आप बटन दबाएंगे तो एक क्वालिटी कंट्रोल, हर जगह 2 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द टीम्स रहेंगे, एक जो है जहां से निकल रहा है और दूसरा जहां पहुंच रहा है, जिससे कि क्वालिटी कंट्रोल वाला गड़बड़ ना कर पाए, राइट। तो यदि मान लो राजेश ने की चीज हमारे पास पहुंची और हमको डाउट होता तो उसी ऐप में हम बटन दबाएंगे तो क्वालिटी कंट्रोल टीम विल कम एंड दे विल गेट द रिवार्ड मनी, तो आपसे कोई पैसा नहीं लगेगा, राइट। तो यू कैन यूज इट वेरी लिबरली, आपको ये चिंता नहीं पालना है कि अरे हम उसको बुला लेंगे तो पैसा लगेगा। हम तो चाहेंगे कि आप उसको ज्यादा बुलाएं, क्योंकि जब आप नहीं बुलाएंगे तो उस बेचारे को पैसे ही नहीं मिलेंगे, उसको रिवार्ड पॉइंट कहाँ मिलेंगे, रिवार्ड पॉइंट उसको तब मिलेंगे जब आप बुलाओगे,
तो हम तो चाहेंगे कि हर कोई बुलाए उसको, सो दैट एवरीबॉडी शुड अर्न रिवार्ड पॉइंट. ये तो वेल्थ है, ये तो अबंडेंस है, वो बेचारा क्यों गरीब रहे, राइट? अब मान लो उसने चेक किया और आपकी क्वालिटी कम पाई गई, तो देर विल बी हैवी पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ रिवार्ड पॉइंट एट द एंड ऑफ द फार्मर एंड एट द एंड ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल यूनिट और द दैट. और क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के लिए कुछ हायर पॉइंट्स रहेंगे कि यदि मान लो उसने चार बार गड़बड़ी कर दी, देन ही विल बी डिवार्ड फॉर 2 years. देखो, लॉर्ड शिवा अपनी कृपा से किसी को परमानेंटली वंचित नहीं रखेंगे, राइट? लॉर्ड शिवा चाहे वो कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, नाराज होंगे तो आपको भस्म नहीं करेंगे, आपको कहेंगे कि यस यू आर डिवाइड फॉर द टू इयर्स, डिवाइड फॉर 5 years डिपेंडिंग अपॉन योर क्राइम. बट वो आपको कंडेम नहीं करेंगे कि तुम बहुत दुष्ट हो, अब तुमको यू कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द सीएफपी. क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर लोग खुश रहे. उस समय उसने मालूम नहीं किस लालच में कर दिया, हो सकता है फार्मर ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया हो. और इस पूरे मॉडल में क्वालिटी के साथ साथ नॉट ओनली दैट एफिशिएंसी बट ह्यूमिलिटी पे बहुत जोर है. तो एवरीबडी हु इज रिसीविंग, उसमें ह्यूमिलिटी का असेसमेंट उसको पावर दिया गया है. तो जैसे मान लो क्वालिटी कंट्रोल चेक करने वाला आया और उसको 1000 रिवार्ड पॉइंट मिलना चाहिए फॉर हिज सर्विस, राइट? और जो कंज्यूमर है वो किस बात तरीके से आया, उसने रिस्पेक्ट दिया कि नहीं दिया, वेदर ही हैज डन द जॉब रिलीजियसली प्रॉपरली और नॉट, विथ ह्यूमिलिटी और नॉट, तो द कंज्यूमर विल असेस हिज ह्यूमिलिटी. क्योंकि मेरी ये सोच है कि जो ज्यादा डिप्राइव्ड क्लास है उसको हमने वैल्यूहीन कर दिया. वैसे तो वैल्यूहीन सभी हो गए हैं, बड़े वाले भी हो गए हैं, उनके चरित्र भी पोंगा हो गए हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है दे हैव नथिंग टू लूज. तो दे विल बी हैविंग एवरीथिंग टू लूज इमीडिएटली. तो जो जो सेवाएं रिसीव कर रहा है वो केवल जो है ना क्वालिटी और जो है ना उसको अकेला ग्रेड नहीं करेगा एफिशिएंसी को, बट ही विल ग्रेड योर ह्यूमिलिटी आल्सो. क्योंकि आई वांट टू अफेक्ट योर वैल्यू, आई वांट टू अफेक्ट योर ह्यूमिलिटी, आई वांट टू जो है ना मॉडिफाई योर करेक्टर. बहुत समय तक जो है ना आप चाहे अपना ह्यूमिलिटी इंडेक्स आपकी कम ना हो जाए, आप यदि लगातार अच्छा बिहेवियर करेंगे तो कुछ समय में रिपीट बिहेवियर विल बिकम, यदि कहते हैं कि यदि 21 डेज तक जो है ना वो हो जाए तो दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ योर सेमी हैबिट, और यदि 90 दिन तक उसे रिपीट कर दिया जाए तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर करेक्टर. तो स्लोली वी विल बी इन पोजिशन टू मॉडिफाई योर बिहेवियर एंड योर करेक्टर. अब जो है अपने माइक्रोफोन को आप ऑन करिए और अभी तक आपको जो समझ में आया नहीं आया क्या आया जरा वो बताइए. और आप अब आपको ये पूछना या तो बताना है या पूछना है कि हाउ यू वुड बी कंट्रीब्यूटिंग टू इट, बिकॉज हमारे आप हर उसमें पूछ रहे होंगे कि प्लीज एक्सप्लोर हाउ यू विल बी, व्हाट इज योर रोल टू इन होल थिंग टू डू इट. मतलब लॉर्ड सेवा तो आपके ऊपर पूरी कृपा कर रहे हैं, आप अपने ऊपर कितनी कृपा करना चाहते हैं? सर मैंने भी अपना एक छोटा सा मॉडल बनाया है खेत के लिए, और वो मॉडल इस प्रकार से बनाया है कि जैसे हम जो किसान सामान्यतः प्रभावित होते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे ठंडी हवा से पूरी फसल बर्बाद हो जाती है कई बार, ज़्यादा ठंड पड़ गई तो उससे बर्बाद हो, तो उसके लिए एक मैंने छोटा सा एक मॉडल बनाया है कि खेत की जो बाउंड्री होती है उसके चारों तरफ हमें 3 layer पेड़ लगाने, 3 layer के पेड़ लगाने. एक तो सबसे हाइटेड पेड़ लगाने आपको बाउंड्री पे, उसके बाद जी सर जी मैं जी आपको ये कहना चाह रहा था कि जो इट इज ए इंटीग्रेटेड फार्मिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपके फॉर्म में अकेला खाद्यान्न पैदा नहीं होगा, आपके यहाँ पे हॉर्टिकल्चर प्लांट होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि आपका लैंड एरिया कितना है, आपके उसमें जो है मेडिसिनल प्लांट एंड एरोमेटिक प्लांट्स होंगे, आपके इसमें फॉडर प्लांट्स होंगे, देन आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स होंगे, देन आपके सीरियल प्लांट्स होंगे, और इसमें क्या बोना है वो डिसीजन फार्मर लेगा, और उस डिसीजन को लेने का जो है टूल जो है उसी ऐप में रहेगा. तो ऐप जो है उसका एग्रीगेशन भी करेगा, तो कभी ओवर प्रोडक्शन की स्थिति पैदा नहीं होगी, आपका टमाटर या प्याज जो है ना सड़कों पर नहीं फेंकेगा. सीएफबी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन, राइट?
तो जो आप पेड़ों को हवा रोकने के लिए कह रहे हो वो नेचर लॉर्ड शिवा वो व्यवस्था आपके ग्राउंड पे ऑलरेडी करने वाले हैं, राइट? वहां पे गौशाला भी रहेगी, वहां पर बी कीपिंग भी रहेगी, क्योंकि शहद बड़ी दुर्लभ चीज होती जा रही है और जो लोग भी इवन दवाइयां वाले जो कंपनी है जो शहद बना के बेच रहे हैं वो भी कई बार नकली ही रहती है। तो शहद फल मेडिसिनल चीजें दे विल बिकम द पार्ट ऑफ योर डाइटरी सिस्टम। ओके, धीरे से जो है ना हम योगा और स्पिरिचुअल एंड वी विल ट्राई टू, तो अभी आज ही हमने डिसीजन लिया है कि देयर विल बी सीएफबी इंफोटेनमेंट। हम अपने कंपार्टमेंट जब से जब लॉर्ड शिवना ने इतनी हमारे ऊपर कृपा कर दी है तो फिर हम परोसने में कोताही क्यों करें। सो द सीएफबी विल बी हैविंग इट्स अ पब्लिशिंग हाउस, सीएफबी विल बी हैविंग इंफोटेनमेंट। क्योंकि मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि जो आज जो सीरियल परोसे जा रहे हैं उसमें जो लिखने वाले हैं वो अपने डिवाउट करेक्टर को लिख रहे हैं, या तो वो पैसे के कारण लिख रहे हैं या वो अपना चरित्र लिख रहे हैं। तो यदि आप इन लिखने वालों को यदि आप रिसर्च करेंगे, आगे हमारी रिसर्च टीम वो भी करना चालू करेगी कि अल्टीमेटली इतना बीभत्स क्यों लिख रहे हैं, और ये खराब लिख के खराब परवस के खराब फिल्में बना के या तो किसी दूसरे से पैसे लेके ऐसा हो रहा है, उनको डिक्टेट किया जा रहा है कैसा बनाए। और ये आप देखेंगे भी बहुत सारी फिल्मों में आप देखेंगे कि मुसलमानों को बड़ा मसीहा बताया जा रहा है और उसके बगल में जो है ना जो हिंदू है उसको खराब बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जिस देश में रह के आप ये रिपीट कर रहे हैं और ये आप पैटर्न आप अक्रॉस द सभी फिल्मों में देख लेंगे, वो दर्शा रहा है कि ये पैसा कहीं से दाऊद इब्राहिम और दुबई पार्टी से आ रहा है। सो देयर इज अ वेरी हैवी इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस। सीएफबी जो के सामने ये इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस नहीं चलेंगी, क्योंकि हमारा जो है ना एक हिस्ट्री इन्वेस्टिगेटिव टीम भी रहेगी। तो बहुत जो है ना आपके इतिहास का जो है वो गड़बड़ सड़बड़ कर दिया गया है। नाउ सीएफबी विल फंड नॉट ओनली द रिसर्च एंड डेवलपमेंट बट इट विल फंड द हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। बहुत सारी चीजें आपके यहाँ नहीं है, बहुत सारी चीजें किताब के फॉर्मेट में है, उनके ऊपर ऑथेंटिकेटेड किताबें लिखी जाएंगी जिसमें क्रॉस रेफरेंस दिए जाएंगे, इट विल बी विद एविडेंस। जैसे आपकी आर्यन थ्योरी है फर्जी थ्योरी है, बट आप सब लोगों को इतनी बार रिपीट हुई है और इन विद्वानों ने इसको इतनी बार रिपीट कर दिया है कि हम सब उसे सही मानने लगे हैं। आपको ये मालूम है कि आपसे आपका इतिहास छिपाया गया है, इतिहास डिस्टॉर्ट किया गया है। हुआ है आपको, आपको तो ये भी नहीं मालूम है कि आपको आजादी किसने दिलाई है। आप यदि इसको समझना चाहते हैं कि आपको आजादी किसने दिलाई है तो आप जो है प्रेम शंकर झा की किताब पढ़िए। ठीक है सर, मैं पढ़ता हूँ उसको सर। हाँ, उसमें उन्होंने मानेकशॉ से लेके और सभी लोगों का दिया है। उन्होंने लॉर्ड एटली जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनसे उनका इंटरव्यू भी छापा है कि उस समय लॉर्ड एटली ने क्या जवाब दिया था। तो आप नहीं कह रहे हो, ये उस समय के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड एटली कह रहे हैं कि उन्होंने आपको जो है सो कॉल्ड द सूडो इंडिपेंडेंस वो आपको दी है। और हमारी बुद्धिमत्ता कितनी है अच्छी है, हम कह रहे हैं कि हमने अपना संविधान बनाया है। 1935 का संविधान जो देख लीजिए 70-80% इट इज अ कॉपी, इंग्लैंड का कॉपी। फंडामेंटल राइट कहाँ से आया, कौन सा कहाँ से आया। तो दो काम किए हमने, 70% जो 1935 एक्ट में लिखा था उसको रिप्रोड्यूस कर दिया और कुछ प्रोविजन जो अच्छे लगे उनको अपन ने कॉपी कर लिया, देयर इज नथिंग रॉन्ग, और कुछ गंदे प्रोविजन उसमें छोड़ दिए। ये आर्टिकल 370 नेहरू के दिमाग की उपज थी ऑन द शेख अब्दुल्ला। उन्होंने बैकडोर से क्यों डलवाया, जो 35A है, रूल 35A जिसको गवर्नमेंट जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपने जो पहले प्रेसिडेंट है राजेंद्र शुक्ला उनसे जो है ना सिग्नेचर कराया गया, उन्होंने उसमें ढेर सारे जो है ना रिजर्वेशन दिए कि जो आप हमसे ये करा रहे हो ये गलत है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई प्रक्रिया का जो है ना पालन नहीं किया। उन्होंने 7 या 8 पॉइंट लिखे थे नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने उसका जवाब दिया था आप जो कह रहे हैं वो सब सही है लेकिन हम इस पे जो है ना पर्सनल चर्चा करेंगे। अरे भाई, संविधान का आप जो है ना कोई चीज जोड़ रहे हो, संविधान में दी गई व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे और आप इनको कहते हैं कि ये रूल ऑफ लॉ वाले हैं। ये सिंगल एक व्यक्ति की दुष्टता है कि जो आप अभी डिस्टॉर्शन झेल रहे हो उसके लिए यदि कोई व्यक्ति जिम्मेवार है तो वो नेहरू जिम्मेवार है।
और हमारी रिसर्च विंग इसको वॉल्यूम्स ऑफ द बुक लिख के जस्टिफाई करेगी और हमें ये पब्लिशर की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम उसे खुद पब्लिश करेंगे. बट इट विल बी रिसर्च बेस्ड, इट विल बी डॉक्यूमेंट बेस्ड, इट विल नॉट बी इमोशनल. ये बताइए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस व्यक्ति ने साठगांठ करके जम्मू एंड कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के साथ मरवा दिया. उनकी माँ ने जो है मांग की इसके बाद जांच नहीं कराई. प्री प्लान रहा सर. और इन्होंने अपने आप को चचा नेहरू बना दिया, फूल लगा दिए, जो ना इंग्लैंड से इनके कपड़े धोके आ रहे हैं. ये दुष्टता इस देश के साथ की गई है. इट इज एट्रोसिटीज. आपने हिस्ट्री और रियम को जो है से अलग इतिहास लिखवा दिया. आपका सही चरित्र तो जो है ना सामने ही नहीं आया. हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस? इस पर थोड़ा सा रिसर्च करिए. यू विल कहीं ना कहीं जो सुइयां जो है ना आपको नेहरू जी की तरफ जो है ना मुड़ती हुई दिखाई देंगी. इस देश की विडंबना नहीं है कि आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है ना फॉरेन लैंड पे मारे जाते हैं और उनकी पत्नी कहती है कि भाई इनका शरीर नीला पड़ गया है, मुझे संदेह है, इनको पोस्टमार्टम कराइए इनका. तो जो सामान्य पुलिस की प्रक्रिया है कि थोड़ा सा भी संदेह होने पे पोस्टमार्टम कराया जाता है और शरीर लीला पड़ने पे और वो भी देश के प्रधानमंत्री के साथ और वो भी फॉरेन लैंड में और पत्नी के मांग के बाद, ऐसी क्या मजबूरियां थी कि जो है ना पोस्टमार्टम नहीं कराया गया? इसके पीछे वो कौन लोग जिम्मेवार हैं? चाहे वो मर गए हों, हम उनको एक्सपोज तो करें, उनकी भर्त्सना तो करें. आपकी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने वाले को पद्मश्री और पद्म विभूषण दे दिया गया. तो सीएफबी का रोल बहुत ज्यादा है. उसको शिव का जो है ना विष पीने वाला रूप भी करना होगा और शिव का जो है ना तृतीय नेत्र खोलने वाला भी रूप करना पड़ेगा. कम से कम तृतीय नेत्र खुल सकता है ये संभावना तो पैदा करना पड़ेगा. कम से कम दुष्ट लोग मुझ पर ताव देके जिस संविधान की दुहाई देते हैं उसी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ओबीसी जो जैसे लोगों की ये हिम्मत नहीं होगी. जो लोग ओपनली टीवी डिबेट में अपने तर्क के नाम पे झूठी बातें कह रहे हैं उनकी ये हिम्मत नहीं होना चाहिए. तो यदि आप जो है झूठे तर्क और झूठी वो कह रहे हैं, झूठी चीजें कह के वैमनस्यता फैलाना, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच. इट इज अंडर रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच. क्योंकि हमने बॉनी पुलिस की पैदा की हुई है. इसका संज्ञान लेने के लिए आपको ना एसपी की जरूरत है, ना डीआईजी, ना एडिशनल डीजी, ना सरकार की. ये अधिकार जो है थानेदार का है. यदि थानेदार उसका संज्ञान सुयो मोटो से लेने लग जाए तो ये जो बड़े बोले लोग हैं जो रोज संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी. सिर्फ हमें थानेदार को जो काम करना चाहिए और यदि वो काम नहीं करता है तो उस थानेदार को सस्पेंड किया जाए, उस थानेदार को प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको पुलिस विभाग से भगाया जाए. जो सरकारें कर रही हैं वो सब गलत कर रही हैं और वो उस संविधान का उल्लंघन करके कर रही हैं जिसने उसे चुन के उसको उस कुर्सी पर पहुंचाया है. और इसलिए जो है संविधान के लिखने वालों ने एक क्लॉज रखा, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. उन्हें मालूम था कि ममता बनर्जी जैसी दुष्ट पैदा होंगे, उन्हें मालूम था कि लालू जैसे दुष्ट पैदा होंगे, उन्हें मालूम था कि मुलायम सिंह जैसे दुष्ट पैदा होंगे, उन्हें मालूम था कि अखिलेश जैसे पढ़े लिखे जो है ना दुष्ट भी होंगे, उन्हें मालूम था कि केजरीवाल जैसा आईआईटीएन भी दुष्ट होगा. इसलिए उन्होंने ये प्रावधान किया था. आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि 90% केसेस में 80% केसेस में आपकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और आपका सामने वाला पैसे देके आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करा देता है. क्या बड़ी विडंबना है? क्या ये पुलिस का हक है? पुलिस का तो इलीगल दायित्व है. सुप्रीम कोर्ट तक में जो ना 5-6 जो ना ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में 5-6 सिक्वल डिसीजन दिए हुए हैं. डू एग्री विथ मी? तो आप ये मुझे बताइए कि वो क्या कारण है कि जिस संविधान के तहत आप चुने गए हैं उस संविधान की आप जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं? मतलब आप मठाधीश तो बनना चाहते हैं, आप पावर तो एंजॉय करना चाहते हैं, व्हाट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो अच्छी पुलिसिंग करना ये जर्रा नवाजी नहीं है सरकारों की. इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द शेड्यूल 7 लिस्ट 2
एंट्री टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यदि इन सरकारों के केस में संज्ञेय अपराध भी नहीं लिखे जा रहे हैं और वो बड़ी संख्या में नहीं लिखे जा रहे हैं, तो उसका सीएफपी साक्ष्य इकट्ठा करके ऐसी सरकारों को गिराने का काम भी करेगा। तो जो शिव का तीसरा नेत्र है वो खुलने की तैयारी में रहेगा, हालांकि वो खुलेगा नहीं, वो अपने ऐसे ही काम करना चाहेगा, क्योंकि जब शिव का नेत्र खुलेगा तो जो बदमाश लोग हैं वो भी कुछ होंगे और उस विध्वंस में तो बहुत सारे दूसरे लोग भी सफर करेंगे। तो नेत्र खुलेगा नहीं, नेत्र खुलने की संभावनाएं रहेंगे, राइट। तो आप जो कह रहे थे अपने मॉडल में आपने पेड़ लगाए हैं, इस मॉडल में पेड़ भी होगा। और इस मॉडल में हम एक चीज बताना भूल गए कि गाय की अगले बात छोड़ गए हैं, देयर इज एक्वा कल्चर आल्सो। तो हर खेत में डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड टू एंड जो है ना कनेक्टेड जो है ना वाटर के लिए ट्रंचेज होंगे जहां पे हम एक्वा कल्चर करेंगे। और जब पानी उसका सूख जाएगा, क्योंकि पानी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहेगी उसमें, पानी हम चाहते हैं नीचे जाए, राइट। तो सूख जाएगा तो उसमें फसल कर लेंगे, जब तक पानी रहेगा तब तक नीचे जाएगा। तो दो या तीन सालों में हम तालाब बनाए, तालाब नहीं, इट विल बी एंड टू एंड ट्रंच, वाटर ट्रंच फॉर एक्वा कल्चर। एंड टू एंड का मतलब है एक खेत, एक खेत से मतलब है। आप जरा माइक्रोफोन ऑफ कर ले, ये पॉन्ड नहीं रहेगा, इट विल बी एंड टू एंड वाटर ट्रंच, डीप वाटर ट्रंच, और एक वाटर ट्रंच दूसरे वाटर ट्रंच से जो है जुड़ा रहेगा। इसका मतलब ये देखा जाए तो जो आपने जैसे सरकार कह रही है कि हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाली बात कर रही हैं, तो देयर विल बी मल्टीपल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना 1/4 ऑफ द लैंड विल बिकम वाटर कैप्चरिंग सिस्टम, एंड इट विल बी क्रिएटिंग यू द वेल्थ थ्रू द जो है ना सिंगाड़ा और लॉट मैनी इन द वाटर प्लांट्स एंड फिशेस। एंड जब वो पानी सूख जाएगा तो उस पर खेती भी की जाएगी। तो जब इतनी बड़ी संख्या में पानी अंदर जाएगा तो हमें ड्रिप इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्राइम फ्री भारत इज कमिटेड टू ब्रिंग अबंडेंस बैक। तो अबंडेंस इन ऑक्सीजन, अबंडेंस ऑफ द ट्रीज, अबंडेंस ऑफ द फ्रूट्स, अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग वाटर एंड एवरीथिंग। और कॉस्ट कौन पी रहा है? लॉर्ड शिवा। तो ये आपके खेत में जो वाटर ट्रेंच बनेगा उसकी कॉस्ट कौन पी जाएगा? लॉर्ड शिवा। आपको क्या मिलेगा? उस पानी से जो पैदा होगा उसके फल आप खाएंगे, और कॉस्ट कौन पिएगा? लॉर्ड शिवा। चलिए अब आप अपनी बात, आपकी बात बीच में काट दी थी, मैं चाहूंगा उसे कंप्लीट करें। जो आपने बताया वही चीज आपने सारी चीज में बताना जो चाह रहा था वो आपने सारी चीज बता दी सर, कंप्लीट हो गया वो। पर मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि मैं एक चीज करता हूँ कि मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम भी जाता हूँ, तो वहां पे हमें एक चीज सिखाई जाती है कि हमें कैसे भगवान से सारी किरणें लेके अपने खेतों पर देना है। मतलब वो लोग इस पर वर्क करते हैं माउंट आबू में और ऑल ओवर इंडिया में भी ये लोग काम कर रहे हैं उस चीज पे, कि कैसे किसान अपने खेत के अंदर बिना पेस्टिसाइड के, बिना केमिकल के, मतलब एक ऊर्जा जो वायुमंडल में है वो ऊर्जा का कलेक्ट करके संचार अपने अंदर भरपूर करते हुए पूरे पेड़ पौधों में उसको दिया जाए। मतलब वो पेड़ पौधों से बातें करते हैं, तो जो ये इस प्रकार से मतलब जो उनका मॉडल कुछ एनर्जी का जो फ्लो है, जो ब्रह्म कुमारी का मॉडल होगा उसे हम अध्ययन करेंगे, आत्मसात करेंगे और प्रोडक्ट और सर्विसेज में कन्वर्ट करके कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हुए ग्राउंड पे उतार देंगे। ठीक है सर, मेरे पास उसकी डिटेल्स है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा उसका सर। आपके आपसे भी डिटेल ले लूंगा जी सर। तो आपको और क्या कहना है इसके बारे में? सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको कब से कितनी जल्दी हम इसको अडॉप्ट करें, मतलब हमारे खेत पे हम इसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। आप ये नहीं पूछना चाहेंगे, नहीं आप एक व्यक्ति तो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो तो सीएफबी को करना है। हाँ तो सीएफबी कैसे करेगी, आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझसे। हाँ सर, सीएफबी कैसे करेगा, मतलब मुझे लग रहा है आपने प्री प्लान किया होगा इसको सारी चीजें सर, काफी समय से आप हम बताते हैं कि सीएफबी कैसे करेगा सर। तो सीएफबी इसके लिए हर लेवल पे ओपिनियन लीडर्स को आइडेंटिफाई करेगा। ओके। और ओपिनियन लीडर को अपना जो काम करेगा
उसके रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, कॉस्ट जो है लॉर्ड शिव आप पी रहे हैं, ठीक है ना? कॉस्ट कौन पी रहा है? लॉर्ड शिव, ठीक है ना? अच्छी बात। तो अब उसको अपन सीएफपी कहना बंद कर दें, हम लॉर्ड सेवा कहना चालू करेंगे, ठीक है ना? तो लॉर्ड सेवा जो है वो कॉस्ट को पी जा रहे हैं, और वो स्टेट लेवल को का जो ओपिनियन लीडर होगा उसका बाकायदा सिस्टम रहेगा आइडेंटिफिकेशन का, और तो उसको जो है ना हम चाहेंगे कि से 10 लाख रुपीज पर मंथ की परचेजिंग पावर दे। पहले अपन देने की बात करें ना, ऐसे ही जो है ना ब्लॉक लेवल ओपिनियन लीडर होगा, क्योंकि उनका काम रहेगा कि स्टेट लेवल ओपिनियन जो है ना विल मेकर शुड आइडेंटिफाई राइट काइंड ऑफ द पर्सन। हमें सोचना होगा कि ओपिनियन लीडर की क्या क्या क्वालिटीज रखी जाएं, क्योंकि उनको उनको 10 लाख देना चाहेंगे, लेकिन उनको मिलेगा तब जब जो है ना वो आउटपुट देंगे। यहाँ पर कोई चीज बिना ऑटोमेटिकली ऐसा सैलरी नहीं है, इट इज ए टारगेटेड रेवेन्यू टू यू, बट उस टारगेट करने के लिए आपको श्रम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एक धेला भी नहीं मिलेगा। यदि आपका जो है श्रम जीरो होगा तो यू विल गेट जीरो। जो वॉलंटियर काम नहीं करेगा उसको 48,000 का परचेजिंग पावर मिलेगा क्या? ही विल गेट जीरो। व्हाट द पॉइंट? ओके सर। तो ये श्रम बेस है, आपके हाथ में क्या है? अपने श्रम को लगाना। तो ये श्रम लगाने में यू आर एडिंग द वैल्यू टू द अबंडेंस। यदि आप अबंडेंस में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो हर जगह सबसे पहले इसके जो सिस्टम है उस सिस्टम में ओपिनियन लीडर आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेट लेवल और हम ये कोशिश करेंगे कि एक रीजनेबल क्षमता का व्यक्ति, उसे 10 लाख तक के रेवेन्यू स्ट्रीम मिल जाना चाहिए। मतलब दैट इज अवर टारगेट। मतलब अब आप नहीं लेना चाहोगे तो आपकी अकर्मण्यता है, लेकिन सीएफबी ने ऑलरेडी टारगेट तय किया, राइट? ठीक है। ब्लॉक लेवल का 5 लाख, विलेज लेवल का मे बी 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख, व्हाटएवर, और इवन 5 लाख भी रख सकते हैं। क्यों? जब धन की वर्षा हो रही है और जब जो है किसान करोड़ों में कमाएगा तो ये ओपिनियन लीडर भी जो है ना इतना कम क्यों कमाए? ये हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। यदि वो अकर्मण्य नहीं होगा तो आसानी से 5 लाख से 10 लाख इवन विलेज लेवल ओपिनियन मेकर जो है ना विल और ओपिनियन लीडर विल डू इट, राइट? और ओपिनियन लीडर का काम क्या रहेगा कि पूरी स्कीम को पहले खुद समझना लगेगा, तो उसके लिए जो है बाकायदा सेशंस होंगे उसको समझाने के लिए, और वो जो है ना उसको उस बात के लिए ट्रेन किया जाएगा। उसका काम है कि वो किसानों को पूरी बात समझाए, समझाए कि जो है ना लॉर्ड सभा सब खा रहे हैं और आपको मुफ्त में सब चीज दे रहे हैं, तो इस महाकृपा को ग्राह्य करिए, और ये जो बात कही जा रही है इसमें कोई भी बात जवानी जमा खर्च नहीं रहेगी। सो देयर विल बी ए ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द सीएफबी एंड ए फार्मर, एंड इट विल बी ए लीगल डॉक्यूमेंट। मैंने आपसे जो भी बातें कही ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस में, इंक्लूडिंग द पेनल्टी क्या रहेगी वो सब उसमें इंक्लूड रहेगी। सो इट विल बी ए, आज की भाषा में अब ये वैदिक ज्ञान, वैदिक कृपा और सब चीजों को इंटीग्रेट करके आज के मैनेजमेंट फॉर्मूला में जो है परोसा जा रहा है। इसलिए इसमें अमेज़न का जो है ना इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रहेगा, जिससे कि बीच के सब मिडिलमैन गायब हो जाएंगे। मिडिल में जो है सर्विसेज देने वाले होंगे, उनको अच्छा हैवी रेवेन्यू भी उसके लिए मिलेगा, कॉस्ट और लॉट से बापी जाएंगे। क्लियर? तो ये ओपिनियन लीडर का काम रहेगा कि वो जो है ना फार्मर्स को तैयार करें, फार्मर्स को समझाएं और लीगल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करें। उनको रेवेन्यू हर लीगल डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूट होने पर मिलेगी। ठीक है। क्लियर? अब ऐसे ही ओपिनियन लीडर हमें हर फील्ड में चाहिए। हाँ। तो जिन जिन चीजों को हम जोड़ना चाह रहे हैं, देयर विल बी ओपिनियन लीडर फॉर फार्मर, there will be opinion leader for the seeds, there will be opinion leader for the organic, so हर चीज में लोगों को तैयार करने के लिए there will be opinion leader। जहां पे भी जैसे मान लो ब्रीडिंग गाय की होना है तो गाय की ब्रीडिंग का जो टारगेट रहेगा नेशनल टारगेट कि आने वाले 3 साल में 5 साल में हम सब जगह जो गाय पहुंचाना चाहते हैं वो पैदा हो जाए, और वो भी हाई क्वालिटी की देसी गाय जिनका दूध जो है
वो अमृततुल अल्फा टू वैरायटी का होता है, और इन गांवों को जो है वो हवन का वो रहेगा, उनको जो है ना वहाँ मंत्र चलेंगे, वहां पर जो है बड़े जो है ना डिवाइसेस लगेंगे जिससे कि उनको नहलाने के लिए, उनकी ब्रशिंग करने के लिए, तो गाय माता सच में माता हो जाएंगी। जैसे आप सेवा करते हैं ऐसे ही गाँव की सेवा होगी, और वहां पर जो है सीएफबी विल इंश्योर कि लोगों के लिए पूजा करने के लिए गाय अवेलेबल होंगी, उनके लिए जो है घास खिलाने के लिए टोकन अपने ऐप के माध्यम से ही वो दे कैन परचेज दो सर्विसेज एंड दे कैन अपने अपने हाथ से गाय को जो है ना वो चारा खिला पाएंगे, वो अपने हाथ से गाय को अपना सहला पाएंगे, गले लग पाएंगे, क्योंकि अभी आपने एक रिसर्च पढ़ी होगी कि गाय के साथ समय बिताना, गाय के गले लगना, इससे आपके डिप्रेशन से लेके स्ट्रेस से लेके बहुत सारी चीजें कम होती हैं। तो वो चीजें भी अवेलेबल होंगी, और जो इसका जो फीस आएगी दैट विल गो टू द अगेन टू द फार्मर्स, भाई जिसके यहाँ पे हो रहा है उसी को मिलेगी ना। सही बात है, राइट? सही है। तो ये ऐसे ही जो जितने भी इंडस्ट्रीज वाले हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनको इसका हिस्सा बनाने के लिए हर जगह ओपिनियन लीडर का यूज किया जाएगा, और जितने लोगों को जोड़ते जाएंगे वो उतने लोगों को जो है उतना उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती जाएगी। तो कोई मंथली का कोई फंडा नहीं है, श्रम करोगे रिजल्ट लाओगे तो रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। लॉर्ड सेवा तो वेल्थ की वर्षा कर रहे हैं, अब आप लेने की यदि आप चाहे रखते हैं तो मिल जाएगी, नहीं रखते तो नहीं मिलेगी। मेहनत करना है उसके लिए सर, है ना, मेहनत करना है। तो आपको जवाब मिल गया है कि कैसे हम जो है साइंटिस्ट को जोड़ेंगे, कैसे हम इंडस्ट्रियलिस्ट को जोड़ेंगे, कैसे जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कंपनियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जमीन पर उतारने के लिए कंपनियां हैं, उन सबको कैसे जोड़ेंगे। एवरीबॉडी विल बी पार्ट ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, एंड कॉस्ट कहाँ जाएगी, कॉस्ट कहाँ जाएगी, नोशनली इट विल बी रिफ्लेक्टेड जहां पे काम हो रहा है, नोशनली वो अकाउंटिंग बिल्कुल पक्का रहेगी, राइट? ठीक है। लॉर्ड सेवा खाएंगे लेकिन उनके गले में वो नीले के तौर पे दिखेगा, और वो गला कहाँ रहेगा, जहां पे वो काम हो रहा है वहां पे नेगेटिव पॉइंट के तरफ वो दिखेगा। लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि लॉर्ड सेवा का जो है ना गला नीला करने के लिए उनके कितने पॉइंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यदि हम चाहेंगे तो उन पॉइंट को जोड़ के हम लॉर्ड सेवा को फिजिकली फोटो में दिखा सकते हैं कि अब उनका गला कितना नीला हो चुका है, राइट? और उसमें लिख देंगे कि इतने नेगेटिव पॉइंट इन्होंने ऑब्जर्व किए हुए अभी तक। नहीं, अच्छी चीज है सर, बहुत ही बढ़िया लगा सर हमको सुन के भी, और इसको मतलब देख रहे तो मतलब मेरा तो व्यू बनते जा रहा, जैसे आप बोलते जा रहे हैं ना मुझे वो पूरा प्रैक्टिकल दिख रहा है। तो जिस चीज के अकेले आपको प्रैक्टिकल दिख रहा है, तो अभी सबसे पहली आवश्यकता है टू क्रिएट द ओपिनियन लीडर्स। ओके सर। टेक्नोलॉजी तो हम क्रिएट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि हम जो है ना टेक्नोक्रेट से बात कर रहे हैं, वी नो द पाथवेज, लॉर्ड सेवा वो रोज ज्ञान मुझे दे देते हैं, तो आई नो कि क्या करना है, राइट? एंड द टेक्नोलॉजी पार्टनर विल आल्सो गेट द रिवार्ड पॉइंट, और वो रिवार्ड पॉइंट जो है ना जो कॉस्ट है वो कौन खाएगा, लॉर्ड सेवा। अच्छा। और लॉर्ड सेवा की वेल्थ अनलिमिटेड है, क्योंकि जो आपकी पूरी वेल्थ है वो लॉर्ड सेवा की ही तो वेल्थ है। तो लॉर्ड सेवा का खाता कभी खाली नहीं होने वाला है, जब तक आप सब लोग जो है ना गरीब नहीं हो जाएंगे तब तक लॉर्ड सेवा माला माल रहे। नहीं, ठीक है सर, मैं करूंगा सर इसको ज्वाइन। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको ये सब्जुवाग दिख रहा है या आपको लग रहा है कि नहीं इट इज डूएबल ऑन ग्राउंड, आपको इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आ रही है क्या, जो अभी हमने कहा कि ग्राउंड में हम कैसे उतारेंगे? तो बेसिकली इट इज समथिंग लाइक जो एक किया गया है कि धीरे धीरे स्वर गाएगा। अभी हमें याद है 1997 में मैं माउंट आबू गया था, राइट? उस समय हम ब्रह्म कुमारी आश्रम भी गए थे, और मुझे याद है कि वहाँ उनके एक टेक्नोलॉजी सेशन में उन्होंने बताया था कि 2000 कब से जो है ना स्वर गाने वाला है, मतलब वो, और वो धीरे वो इस बार जो है ना वो जल प्लावन जैसा नहीं होगा, हालांकि लोग बाग सैकड़ों की संख्या में मरेंगे, लेकिन फिर भी जो है ना महानाश या महाप्रलय नहीं आएगा। उन्होंने कहा था कि जो एक ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो सत शक्तियां हैं, वो अवतरित होंगी और वो एक्सपांड होती जाएंगी। तो मैं देख पा रहा हूं कि सीएफबी के फॉर्मेट में वो शक्तियां
पीआईओ के फॉर्मेट में, जो ओपिनियन लीडर के फॉर्मेट में जनरेट होंगी, जो सबको जोड़ते जाएंगी और जैसे जैसे हर कोई उसमें समाता जाएगा तो ये पृथ्वी स्वर्गीय हो जाएगी, ये पृथ्वी स्वर्ग तुल्य हो जाएगी। जहाँ की हवा अच्छी होगी, जहाँ के फल अच्छे होंगे, जहाँ पे मधुमक्खियां होंगी, जहाँ पे चिड़ियाएं होंगी, जहाँ पे हर कोई होगा और हर किसी को जो है ना वही अबंडेंस मिलेगी। जहां पर जो है दुष्ट योग कोई चीज नहीं रहेगी। और जो सीएफबी का जो है एक आयुष फंडा भी है तो उसका ये है कि हेल्दी लिविंग जो कि सनातन धर्म की फिलोसफी भी है, दैट विल बी द मेड द पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। तो चाहे योगा हो, चाहे आपकी डाइट हो, चाहे आपकी हर चीज हो, हम श्रम को जो है ना आपके डेली रूटीन में ही ले आएंगे, सो दैट यू विल बी लिविंग ए ब्लिसफुल काइंड ऑफ लाइफ। आपको हमने बताया है कि सीएफबी इंफोटेनमेंट भी होगा, तो हम आपके विचारों को भी कुत्सित नहीं होने देंगे। जरूरत होगी तो हम फैशन में भी चले जाएंगे, जरूरत होगी तो हम हेयर स्टाइल में भी जाएंगे, विवशता को नहीं आने देंगे। ये शिव ने निर्णय ले लिया है कि अब इस पृथ्वी से विवशता, नेगेटिव चीजें विलोपित हो जाएंगी और धीरे धीरे भारत विल बिकम नेगेटिविटी फ्री भारत। तो इट विल बी हेल्दी भारत, इट विल बी वेल्दी भारत, इट विल बी नेगेटिविटी फ्री भारत। और जो पुरानी दुष्टताएं हैं उन दुष्टताओं का भी जो ना लोगों को आईना दिखा दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें लोग स्वर्ग पहुंच गए हैं तो उनको स्वर्ग में जो झेलना है वो झेलने दिया जाए, लेकिन जो है उनका चरित्र तो कम से कम एक्सपोज किया जाएगा। और उसका मकसद है कि जो इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस हैं उन्हें डर लगना चाहिए। तो सीएफबी की एक रिसर्च विंग इंडिया ब्रेकिंग फोर्सेस के ऊपर रिसर्च करेगी। सो सीएफबी विल कम विद द होलिस्टिक सॉल्यूशन विद अवेंडेंस मॉडल, जहां पे कि जितनी भी पॉइजन है, जितना भी जहर है, उसको खाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लॉर्ड शिवा अवेलेबल होंगे। आपको तो सिर्फ अमृत ही अमृत लेना है, तो अमृत का पान करने के लिए आप अपने आप को तैयार करिए और आइए हम सब लोग मिलके एक ऐसे भारत का निर्माण करें और वो जिसकी शुरुआत अगले 3 महीने में हो जाना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो आप जो है आपको 3 दिन का समय दिया जा रहा है अगले सेशन में। अभी हमने इतनी सारी बातें कही, अब हम कोई बात नहीं करेंगे। अगले 3 दिन के बाद आपको आके प्रेजेंटेशन देना है कि हमने आपको सुन के ये एक्शन प्लान बनाया है, दिस आवर आई विल बी डूइंग। मैं इतने जो है ना ओपिनियन लीडर पैदा करेंगे हम, हमारे ओपिनियन लीडर जो है ना इंडस्ट्री के फील्ड में ये होंगे, इसके उसमें ये होंगे, इसके इसमें, तो अकेला एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, तो आपने जिम्मेवारी कबूल की, आपने जिम्मेवारी स्वीकार की, ठीक है सर, स्वीकार की जी सर। हाँ या नहीं?